गोपी सुरभिगतंच श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभार्ण सुत देवी प्रणमामि वृंदाई तुलसीदेवी प्रिया हरि केशव सच कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवत्री नमो नमः तमादि देवम करुणा निदानम तमालवर्णम सुविदावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहि भागवतम कुरुपकम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठा ले एक बार हाथ उठा ले सबके सब बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे और एक बार जोर दे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे टेड लो करने दे इसके एक बार थोड़ी सी काम करो हरि बोल सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद वंदना नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा, आज हम लोगों का बहुत बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि हम लोग सप्तम दिवस व्याप्ति हम लोग ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। इसलिए संतों का कहना है जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में पैसा की बल हो जो काम तो हम कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमें कोई मदद करने वाले हो जो काम को कर सकते हैं। लेकिन जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में मन का बल हो जो काम को हम कर सकते हैं। लेकिन जगत में सबसे जो बड़ा बल है ये आत्मबल है। जगत में ऐसे कुछ काम है जो काम को हम सिर्फ आत्मबल के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन संतों का कहना है ये श्रीमद् भागवत कथा सुनना और ये भागवत कथा रखना न तो कोई पैसा के बल पर रख सकते हैं, न तो कोई जन बल पर रख सकते हैं, न तो कोई मन की बल पर रख सकते हैं, न तो कोई आत्मा बल पर रख सकते हैं। जब तक श्री गोविंद देव की, जब तक श्री गोपीनाथ जी की कृपा की बल नहीं हो, जब तक संतों की कृपा की बल नहीं हो, कति ये कथा कोई रख भी नहीं सकते हैं, ये कथा कोई सुन नहीं सकते। इसलिए समझो आज हमारे ऊपर में श्री गोविंद देव का विशेष कृपा है जो कि हम बैठ करके ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, कहते एक जन्म नहीं बोले जन्मानाम बहु नामान्ते, बोले करोड़ों करोड़ों जन्म का जब पुण्य उदय होता है तभी ये भागवत कथा कोई सुन सकते हैं। एक जन्म नहीं जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कहते करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो तभी ये भागवत कथा कोई श्रवण कर सकते हैं। जिसको श्री शंकर जी ये माता पार्वती को भी यही बात कहते हैं, बोले पार्वती जगत में सब चीज की सुलभता है लेकिन पार्वती जगत में एक चीज बड़े किस्मत वालों को मिलती है। तब मैया पार्वती प्रश्न करती है, बोले प्रभु
जगत में किस चीज बड़े किस्मत वालों को मिलती है। देखो शंकर जी स्वयं कहते हैं, बोले सतसंगति दोरला बस जगत में ये जो भागवत कथा पार्वती बड़ा दुर्लभ है। अगर जीवन में एक घड़ी आधी घड़ी कहते आधी से पुनी आग तुलसी सत्संगत में नासे कोटि अपराध। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर एक घड़ी हो आधी घड़ी आधी से पुनी आग अगर इतना समय अगर भागवत कथा सुनने को मिले ये जीवन में सारे अपराध सारे पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए पार्वती जगत में ये भागवत कथा बड़ा दुर्लभ है। देखो पार्वती क्या कहते हैं, बोले प्रभु जी दुर्लभ कहा, देखो अभी सुलभ है ना। ये जगह का नाम क्या है, ये जगह का नाम क्या है, क्या प्रताप नगर है, रामेश्वर धाम मंदिर, नाम बहुत बढ़िया है। इसलिए श्री रामेश्वर धाम मंदिर प्रताप नगर में जैसे भागवत कथा हो रही है और हमारे अनिल प्रभु जी उन्होंने अपना सब भक्त लोगों को निमंत्रण दिया घर घर में जा जा करके बैनर लगाए, बोले भैया भागवत कथा होगी सब कथा सुनने के लिए आओ आओ आओ, सबको उन्होंने निमंत्रण दिया। आप कह रहे हो सत्संगति दुर्लभ, संसार दुर्लभ नहीं तो सुलभ हो गया। पार्वती कहते हैं सुलभ हो गया। देखो शंकर जी क्या कहते हैं, भले आबतहि सरति कठिनाई, आबतहि सरति कठिनाई, यहाँ पर सहज लोग में नहीं आएंगे। अगर आपको पता चले ना यहाँ शाहरुख खान आ रहा है, हेमा मालिनी आ रही है, ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन आ रही है, किसको थोड़ी सी हिट मिल जाए, निमंत्रण मत दो केवल थोड़ा पता चल जाए। हम देखो ये मैदान में प्यार रखने का जगह मिलेगा आपको, बताओ प्यार रखने का जगह मिलेगा आपको बिना बुलाए, देखना कितने लोग आ जाएंगे। लेकिन शंकर जी कहते हैं पार्वती आप तो यही सर अति कठिनाई, भले ही निमंत्रण दो भले ही जो कुछ कर लो पार्वती यहाँ पर कोई नहीं आएगा। क्योंकि क्यों नहीं आएगा, कारण क्या क्यों नहीं आएगे। तब मैया पार्वती प्रश्न करती हैं प्रभु फिर कौन कौन आते हैं, कहते कथा में कौन कौन आ पाएंगे। शंकर जी कहते हैं अति हरि कृपा अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई।
पार्वती बोले अति हरि कृपा जा करो, जिसको ऊपर में हरि की विशेष कृपा हो। भगवान की दो तरह का कृपा है, एक कृपा तो घुमा फिरा करके और एक कृपा डायरेक्ट। शंकर जी कहते हैं हे पार्वती, जिसको ऊपर में ठाकुर जी की डायरेक्ट कृपा हो जाए, पाव दही असंगत सोई, तभी ये कथा में कोई आ सकता है, नहीं तो कथा में नहीं आ सकता है। हजार बहानाबाजी बना देंगे, अरे ये काम रह गया था, ये काम रह गया था, ये काम रह गया था। बोले देवी जी तू चला जा, मैं अपना काम निपटा करके आ जाऊंगा। बोले तुम काम निपट करके आओगे ना, तुम स्वयं निपट जाओगे। कोई कोई कहते ना घर का काम निपटा करके आ जाऊंगा, अभी तक दुनिया में कोई काम निपटा पाए बताओ, कोई भी निपट पाए। रावण जैसे व्यक्ति उसकी मन में इच्छा थी मैं दो काम करके जरूर जाऊंगा। बोले कौन सा काम? बोले मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दूंगा। बोले दूसरा काम? बोले समुद्र पानी को पूरा पूरा मीठा बना दूंगा। हाँ ये दो काम करके ना, फिर तो मैं, उसकी मन में यही इच्छा थी, लेकिन उसने भी अपना इच्छा को पूरी नहीं कर पाई, उनको इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। इसलिए कहते हैं शुभम शीघ्रम, जो शुभ काम है ना उसको जल्दी कर देनी चाहिए। कहते ना कल कर सो आज करो और आज कर सो आज। इसलिए एक अच्छी, शंकर जी कहते हैं पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर का विशेष कृपा हो जाए ना पार्वती, तभी ये सत्संग में कोई आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उदाहरण देते हैं, जैसे आपके घर में शादी हो रही है, नहीं तो बच्चे की कोई बर्थडे है, आप बताओ उसमें कौन आएगा? आप जिसको निमंत्रण दो, भले ही घर को पास में 9 इंच दीवार है, पास में कोई व्यक्ति है, अगर आप उसको निमंत्रण नहीं दोगे तो नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई 1000 किलोमीटर दूर में, 10,000 किलोमीटर दूर में हो, अगर आप उसको निमंत्रण दोगे ना, देखना वो व्यक्ति आएगा, क्योंकि आप उसको निमंत्रण दिए हो। इसलिए यहाँ पर शंकर जी कहते पार्वती, जिस समय कृष्ण बंसी बटक नीचे बंसुरी बजाए, जब भगवान कृष्ण बंसुरी बजाए, ब्रज में कितने लोग थे, उनको सखाएं थी, माताएं थी, पिताएं थी, लेकिन गोपियां भी थी, लेकिन कृष्ण जब बंसुरी बजाए ना, केवल ब्रज की गोपियां वहां पर आए, सब नहीं आ पाए। बोले क्यों? कारण क्या? बोले कारण यही था, कृष्ण उनको ही बुलाना चाह रहे थे, कृष्ण उनको ही बुलाना चाह रहे थे। लेकिन जब गोपियां सारे घर का काम धंधा, कोई रोटी बना रही थी, कोई बच्ची को खाना खिला रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, लेकिन जब सब कुछ छोड़ छाड़ करके ब्रज में गोपियां जब बंसी बैठ को नीचे आए, कृष्ण क्या कहते हैं? बोले स्वागत में महाभागा, कृष्ण उनको स्वागत करते हैं। बोले हे महाभागा भाग्यवती, मैं तुमको स्वागत करता हूँ। बोले क्यों? तुम लोगों ने घर का सारे काम धंधा को पीछे रख करके तुम मेरे पास में आए। इसलिए यहाँ पर कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति ये भागवत कथा में आते हैं, ठाकुर जी उनको स्वागत करते, सबके घर में कुछ ना कुछ काम है, लेकिन सारे काम को जो छोड़ करके प्रभु की कथा रूपी काम आते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनको स्वागत करता हूँ, तुम लोग बड़े भाग्यवती हो, क्योंकि ये भागवत कथा सुनने तुम लोग आए हो। एक बार भागवत की जयकार दो, बोले श्रीमद् भागवत कथा जयकार में आनंद नहीं है, कोई तो है और कोई जय कह रहे हो। देखो जितने जोर से आप भागवत की जयकार करोगे ना, भागवत को थोड़ी जय है, जय तो ठाकुर का जय ही जय है। कहते जो जितने जोर से ठाकुर को जय दे उसको उतना पाप खत्म होता है और उसका उतना पुण्य उदय होता है। जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। अब लग रहा है जयकार हो रहे। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी परिकृत महाराज कहते हैं ये भागवत कथा कितने दुर्लभ है। बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। बोले हे परिकृत, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है इसका थोड़ी सी इको थोड़ी कम कर दो। कहते ये जो श्रीमद् भागवत कथा, बोले स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनके नसीब में भी नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग आगे श्रवण करेंगे। बोले जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी
श्री परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा सुनाने जा रहे थे। जिन जिन देवता को हम घर में पूजा करते हैं वो सारे देवता स्वर्ग छोड़ करके खाली हाथ में नहीं स्वर्ग का पूरा अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी, आप ये परीक्षित को क्यों कथा सुना रहे हो? बोले श्रृंगी ऋषि ने उसको अभिशाप दिया है ना। बोले हाँ, ये सप्तम दिवस में मारा जाएगा, इसलिए कथा सुना रहे हो? बोले हाँ, इसलिए सुना रहा हूँ। बोले हम स्वर्ग से देखो ये अमृत कलश लेकर गया, लो ये पूरा का पूरा अमृत कलश ले लो, श्री परीक्षित महाराज को पिला दोगे ना, वो अमरत्व को प्राप्त करेंगे, अमर बन जाएंगे। लेकिन ये जो श्रीमद भागवत कथा ये हम सबको सुना दो। जब इतना बात बोले देवता लोग, इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी उनको फटकरा दिए, उनको डांट लगा दिए। बोले को काच को मणिर महान, बोले मूर्ख देवताओं, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, केवल मतलब को हासिल करना जानते हो ये भागवत कथा है क्या आपको पता है? बोले ये भागवत कथा नहीं, ये स्वयं श्री ठाकुर जी, ये स्वयं गोविंद देव है। कहते जो श्रीमद भागवत कथा में, कहते भागवत में द्वादश स्कंध है, कहते द्वादश स्कंध में उसका जो प्रथम द्वितीय जो स्कंध है, कहते श्री गोविंद देव का जो चरण है। देखो हम बहुत सारी कथा सुनाऊंगा, आप लोग ना कथा को थोड़ी थोड़ी याद रखना, ठीक है ना? जो कथा सुनो अपना घर में जाकर बच्चों को भी सुनाना, पति को भी जाकर के सुनाना, हमने कथा में ये बात सुन, ऐसे नहीं कथा खत्म हम भी खत्म हो गए। हम दुनिया की तो बहुत सारी बात को याद रख लेते हैं, हाँ 20 साल 50 साल बाद को याद करते हैं, लेकिन भगवान की कथा याद करो ना, उसमें बहुत लाभ है, ठीक है ना? इसलिए अब लोग कोशिश करना सारी कथाओं को याद करने के लिए। देखो जो टीचर है ना, इसको स्टूडेंट नहीं बनाता है, टीचर सबको टीचर बना देता है, शिक्षक थोड़ी छात्र बनाता है, छात्र को वो टीचर बना देते हैं। हम चाहते हैं 7 दिन में इतने ज्ञान आपको मिले, इतने ज्ञान मिले, अब सबके सब एक भागवत भक्त बन जाना, सबके सब भगवान की कथा बोलना शुरू करना, ठीक है ना? देखो दुनिया की बात तो हम बोलते रहते हैं, इसलिए भागवत में सुतो गोस्वामी कहते हैं जो दुनिया की बात बोलते हैं ना, कर जैसे मेढक जैसे टर 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 करता है ना, और सर्प आकर के उसको खा लेता है। कहते ये जो दुनिया की बात है कि जैसे मेढक की जैसे टर 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 करना, और एक दिन ये काल रूपी सर्प हमें ग्रास कर लेगा। लेकिन जो भगवान की कथा बोलते हैं, जो ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, कभी ये काल उसका समय को नष्ट नहीं कर पाता है, ठीक है ना? इसलिए आप लोग कोशिश करना जितने कथा आप सुनोगे सारी कथा याद करने के लिए, और घर में भी बच्चों को भी कथा सुनाना, पतियों को भी कथा सुनाना, परिवार को भी कथा सुनाना, जो सुनेगा उसका भी कल्याण होगा, ठीक है? एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री श्री राधे, जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। बल ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये कथा नहीं, ये स्वयं गोविंद देव है। जो भागवत का जो प्रथम द्वितीय स्कंध है, ये गोविंद देव का दो चरण है। जो तृतीय चतुर्थ स्कंध है, ये गोविंद देव का जो जंघा है। जो पंचम स्कंध है, गोविंद देव का नाभि है। जो षष्ठ और सप्तम स्कंध है, ये ठाकुर की दो भुजाएं हैं। जो अष्टम स्कंध है, ठाकुर जी की भक्ति स्थल है। जो नवम स्कंध है, ये ठाकुर जी की कंठ है। जो दसम स्कंध है, ये ठाकुर जी की मुखारविंद। जो एकादश स्कंध है, ठाकुर जी की ललाट। और द्वादश स्कंध ठाकुर का सार। इसलिए बोले ये श्रीमद भागवत नहीं, बोले कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि निशा। जिस समय श्री गोविंद देव ये संसार छोड़ करके जा रहे थे कृष्ण, उसी समय उद्धव जी भी आए। बोले हे प्रभु, आप तो ये दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, अभी मैं किसका आश्रय लेकर के रहूं? ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, बोले हे उद्धव, मैं तो एक स्वरूप में जा रहा हूँ, लेकिन कलयुग में दूसरे रूप में रह भी रह रहा हूँ। उद्धव जी पूछे, प्रभु आप कलयुग में किस रूप में रहोगे? बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये भागवत नहीं, मैं स्वयं सप्त ब्रह्म रूप में, सप्त ब्रह्म रूप में
कलयुग में ये ग्रंथ रूप में रहूंगा। जो व्यक्ति इसी कलयुग में ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेगा, ये भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं। जो कथा सुन रहे हैं वो मेरे साथ में साक्षात रूप में मेरे साथ में उसका मुलाकात हो रहा है, मेरे से मिल रहा है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, देवताओं ये श्रीमद् भागवत कथा नहीं, ये स्वयं श्री बांके बिहारी, ये स्वयं श्री कृष्ण चंद्र स्वयं। कहां भगवान को ये अमृत को साथ में तुम बराबर करना चाहते हो? बोले स्वर्ग में अमृत पीने से क्या होता है? बोलो धीरे धीरे तुम्हारे पुण्य खत्म होगा। बोले कब तक ये स्वर्ग में रहेंगे? बोले जब तक उसका पुण्य समाप्त नहीं होता है। पुण्य समाप्त होते ही उसको धक्का मार करके फिर यहीं पर गिराते हैं। लेकिन ये भागवत कथा अमृत पीने से पुण्य खत्म नहीं, पुण्य तुम्हारी बढ़ेगी, पुण्य तुम्हारी बढ़ेगी। लेकिन स्वर्ग अमृत पान करने से पुण्य तुम्हारी खत्म होगी और कथा अमृत पान करने से जीव को दिव्य जीवन प्राप्त होता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया, बोले को काच को मणि मान। अगर कोई एक कांच के टुकड़े लेकर के आए, बोले भैया कांच के टुकड़े तू ले ले, तेरे पास में जो मणि है वो मणि हमें दे दो, हम मणि को दे दोगे? कांच के टुकड़े के परिवर्तन आप मणि दे दोगे? नहीं दोगे। कहते ये भागवत स्वयं श्री गोविंद देव ठाकुर जी मांगे भी आए। कहा भगवान को साथ में ये स्वर्ग तुच्छ अमृत को बराबर कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से, कथा नहीं सुन सकते हो। इसका तात्पर्य है स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी ये भागवत कथा सुनने को उनका नसीब में नहीं मिलता है। इसका तात्पर्य बोले हम लोग देवता से भी ज्यादा पुण्यात्मा है, देवता से भी ज्यादा हम सौभाग्यवान। क्यों? ये श्रीमद् भागवत कथा में बैठ करके ये कथा को हम सुन रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये भागवत कथा देवलोक में भी नहीं, कहते देवलोक की बात छोड़ दो, ये कथा ब्रह्मलोक में भी नहीं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में भी ये भागवत कथा नहीं होती है, हैं? देखो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले कथा है तो बेधे भावना बिहारी, कथा है तो बेधे भावना बिहारी, कथा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बोले कथा है तो विधि। अगर कहीं ये भागवत कथा हो, विधि मतलब ब्रह्मा जी जिसने ये दुनिया को सृष्टि किया है, वो कहाँ रहते हैं? बोले ब्रह्मलोक में। बोले भैया ब्रह्मलोक कहाँ पर? बोले ये 14 ब्रह्मांड का सबसे जो ऊंचाई लोग ब्रह्मलोक हो, ये ब्रह्मांड का सबसे ऊंचाई लोग ब्रह्मलोक हो। भूर भुव मोह जन तप सत्य लोग ब्रह्मलोक हो, हैं? अगर ब्रह्मा जी को अगर पता चलता भैया कहीं भागवत कथा हो रही है, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ये ब्रह्म लोक को छोड़ करके ढाई मतलब क्या दौड़ दौड़ करके क्यों आते हैं? हम दौड़ दौड़ करके कहाँ पर जाता है अगर हमारा कोई फायदा हो, कहीं लाभ हो ना, कहीं अगर करोड़ रुपया अगर मिलेगा फिर क्या करेंगे? भले रात भर भले नींद नहीं आए कोई बात नहीं है। उसी तरह ब्रह्मा जी को पता भैया ये भागवत कथा में जितना लाभ है ना,
दुनिया में और किसी कथा में इतना लाभ नहीं। इसलिए वो ढाई क्या अकेले कथा सुनने के लिए आते? बोले नहीं, बोले अपना पत्नी को सारद को लेकर के आते हैं। बोले जल्दी जल्दी चलो, हम कथा शुरुआत होने से पहले हम कथा में जाकर के बैठ जाए। इसलिए ब्रह्म लोक से ये कथा सुनने के लिए आते हैं, हैं? मतलब ये कथा की इतने महत्व है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, कहते भैया ब्रह्म लोक की बात छोड़ दो, कहते कैलाश नास्ते अमरस। बोले जहां पर श्री शंकर जी और पार्वती रहते हैं वहां पर भी ये भागवत कथा वहां पर भी नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार त्रितया युग माही शंभु गए कुंभ जर सिपाही। कहते एक बार श्री शंकर जी माता सती को लेकर के जब कथा सुनने की इच्छा हुई, कैलाश छोड़ करके कहां पर आए? जहां पर श्री अगस्त ऋषि नर्मदा नदी किनारा में रहते हैं, कथा सुनने के लिए वो शिव लोग से आए। देखो यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, कहते कथा सुनने के लिए अकेले मत आया। जैसे देवता लोग आए वो अकेले नहीं आए, अपना देवियों को लेकर के आए। ब्रह्मा जी आए अकेले नहीं आए, अपना पत्नी को लेकर के आए। शंकर जी नहीं आए अकेले नहीं आए, किसको लेकर के आए? अपना देवी को लेकर के आए। इसलिए कोई अकेला अकेले नहीं आए, इसलिए देवता आए तो देवियों को लेकर के, और देवियां आए भी देवता को लेकर के। बोले भैया ऐसे क्यों, हम दो दो क्यों आए, एक एक क्यों नहीं आए? इसकी रहस्य को समझो। जैसे अब लोग कथा देवियां जैसे कथा सुनने के लिए आए, देखना जब 7 दिन में कथा सुनोगे ना आपको ज्ञान होगा ये जीवन क्या है, भगवान ये मानव शरीर हमें क्यों दिया। 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ठाकुर जी हमें ये मानव शरीर देते हैं, ये शरीर हमें बारंबार नहीं मिलती है। इसलिए जीवन पाकर क्या करने चाहिए? बोले भगवान की भजन करने चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर आपको ऊपर ये रंग चढ़ी, सत्संग की रंग चढ़ी, फिर क्या करोगे? क्या करोगे फिर? फिर समय को बर्बाद नहीं करके गीता पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, भगवान की माला जप करोगे। अगर पति लोग नहीं आए ना, पर पति लोग क्या करेंगे? वो टोटी करेंगे। बोले भैया किसी बाबा जी के चक्कर में तू पड़ गई, पहले तो बोलते थे सिनेमा दिखाने ले चलो, घुमाने ले चलो, अभी तो समय होते बोलते सत्संग में चलो, हैं? भगवान की कथा सुनेंगे, रामायण पढ़ेंगे, भगवान की भजन करेंगे। अगर पति अगर आए, अगर इनको पर रंग चढ़े, फिर पति क्या करेगा? वो भी इधर उधर नहीं करके प्रभु का भजन में लगेगा। फिर पत्नियां भी उनको टोटिंग करेगी, बोले काम धाम कुछ नहीं, जब देखो गीता भागवत माला लेकर बैठ जाते हो। पत्नी भी उनको टोटिंग करेगी, लेकिन अगर दोनों कथा सुनने के लिए आओ ना, अगर दोनों को पर रंग चढ़ेगी, फिर तो गाड़ी बढ़िया चलेगी। अब गाड़ी दोनों भैया जल्दी जल्दी काम खत्म करो, सत्संग का समय हो, चलो हम दोनों चलते हैं सत्संग में, दोनों भगवान की भजन करते हैं। देखो आपको एक सही घटना सुनाता, ये सही घटना है। बोले एक समय कोई एक संत रोज कथा करते थे, वहां पर एक जो राजा था वो बड़ा सत्संगी था, रोज कथा में आकर बैठता था, कथा सुनता था। अभी जो कथा सुनेगा अब उसको तो ज्ञान होगा, कितना बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनो सुलभ ना सो। अभी उसको ऊपर धीरे धीरे राजा के ऊपर सत्संग की रंग चढ़ गया, रंग चढ़ गया तो राजा क्या करता है? अभी समय को बर्बाद नहीं करता है, बर्बाद नहीं करते हुए, क्योंकि ये जो मानव शरीर नहीं, भगवान राम कहते हैं, बोले साधन धा मोक्ष कर द्वारा, साधन धा मोक्ष कर द्वारा, I'm not afraid.
से बोलो राधे राधे, और जोर से राधे राधे। मैं बोलूंगा वृंदावन में, आप क्या बोलोगे? वृंदावन गए हो? कौन कौन गए? बिना वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं। कोई कृष्ण कृष्ण बोलते हैं? क्या बोलते हैं वहां पर? और जोर से आपको बताए, वहां राधे राधे क्यों बोलते हैं? वहां पर कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते हैं? देखो, ये कृष्ण स्वयं गोविंद देव कहते हैं, बोले रास शब्द कुर्बन तस्मात् ददामि भक्ति उत्तमम्। कृष्ण स्वयं कहते हैं, अगर कोई केवल राग हर कोई बोल दे, बोले तो मैं तो बड़ा चिंता में पड़ जाता। बोले किस चीज की? बोले मेरी राधा जी की राग हर बोला, इसको कुछ देनी चाहिए। कृष्ण खुद कहते हैं, ये रा अक्षर की इतने महत्व है, ये विश्व ब्रह्मांड में इसकी विनिमय में मेरे पास में कुछ भी रहने का नहीं रहता, कुछ भी देने का नहीं रहता है, मैं खुद को खुद दे देता। बोले आज से भैया मैं तेरा हो गया, क्योंकि मेरे राधा जी का रा अक्षर बोला। अगर कोई धा बोल दे, रा और धा बोल दे, ये दो अक्षर सुनते ही मैं तो भैया उसको पीछे 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 भागता रहता हूँ। इसलिए एक भजन में बोलते हैं ना, राधे राधे रटो चले आएंगे अयोध्या वासियों को बैठा करके समझा रहे हैं। बोले हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये 84 लाख जन्म में एक बार मिला। ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम मतलब क्या है? बोले 84 लाख जन्म में एक ही जीवन मिला, जो एक ही जीवा मिला, जिसमें राम राम कृष्ण कृष्ण कह सकते, केवल एक ही हृदय मिला जिसमें हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। केवल ठाकुर जी दो हाथ दिए हैं, जिस दोनों हाथों से हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। केवल दो प्यार दिया, जो घर से यहाँ तक चल करके
हम लोग सत्संग में आए हैं। ये सत्संग में और कोई आ सकता है? सत्संग में सत्संग कोई आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए जब ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है फिर हम क्या करते हैं? फिर भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं। अभी जो राजा था बड़े सत्संगी था, ये रोज सत्संग में जाकर कथा सुनता था। अभी सत्संग की रंग उसको धीरे धीरे चढ़ने लग गया, चढ़ने लगा तो राजा अभी समय को बर्बाद नहीं करके जीवन को प्रभु के भजन में लगाता है, भगवान की भक्ति में लगाता है। अभी रानी तो परेशान है, ये थोड़े ये हमें घुमाने के लिए नहीं ले जाते हैं, समय मिले तो मेरे पास में बैठते नहीं, समय मिले तो भागवत गीता और माला लेकर बैठता है। राजा रानी तो बड़ी परेशान है। अब ये रानी ने सोचा, ये जो बाबा है ना, ये मेरी पति को कथा सुना सुना करके मेरे पति को बर्बाद बिगाड़ दिया है। ये बाबा को हम बीज भरी सभा में इसको अपमान कर लूंगा। उसने एक बेस्या को बुला करके बोला, तेरे रत्न से झोली भर दूंगी, एक काम कर सकता है? बोले बोलो क्या करना? बोले जब सत्संग में बहुत भक्त लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, वो बाबा कथा सुनाते हैं, तो भरी सभा में जाकर के इतनी सी बात बोल देना, बोले बाबा जी आपकी संगत से मेरे पेट में बच्चा आ गया है, अभी बताओ मैं क्या करूं। बस इतनी सी बोल दी और कुछ बोलना नहीं। उसने तो पैसा के लोग से ये बात को बोल दी और वहां पर सारे समाज बैठे हुए थे, लेकिन वो संत बड़े पहुंचे हुए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला सुन करके, उनने उसको हजम कर लिया। अभी जितने लोग बैठे हुए थे अभी इनकी मन में तो शंका हो गई बाबा के ऊपर में, ये बाबा ऐसे है क्या? लेकिन राजा को पूर्ण विश्वास है ये कभी ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। राजा जब राज दरबार में आए, वो बेस्या को अकेला बुलाया और सामने अपना तलवार रख लिया, बोले तू सही सही बता, ये तलवार देख रहे हो, तेरा गला उतार दूंगा, सही सही बताओ तुमने क्यों भरी सभा में ये बाबा को अपमान किया? वो बेस्या तो कांप उठी, बोले महाराज इसमें मेरी कोई कसूर नहीं है, आपकी रानी ने मेरे को पैसा के लोग दिखा करके मेरे से ऐसे बुलवाया है। फिर वो राजा आकर के संतों को ये सारी बात बताती है कि रानी ने ये सारे काम करवाया। इतने में देखो संत क्या कहते हैं, बोले महाराज ये रानी की कोई कसूर नहीं, तेरी कसूर है। बोले क्यों? बोले ये तुम्हारी दोष है, ये सत्संग में तुम अकेले आते, अगर तुम अगर अपना रानी को लेकर के साथ में आता है ना, तुम भी सत्संग सुनते, रानी भी सत्संग सुनती, दोनों को ऊपर ये भक्ति की सत्संग की रंग चढ़ती, फिर दोनों दोनों को मदद करते। और तू तो सत्संग में आते हो रानी को नहीं लाते हो, तुमको तो पता चला ये जीवन दुर्लभ है, भजन करनी चाहिए, अभी तो घर में बैठी है ना, इसलिए वरना बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना हो। जब तक तू सत्संग नहीं सुनोगे तब तक ज्ञान उदय नहीं होगा। अब रानी तो कथा नहीं सुनती है, तभी तो परेशानी है ना, कल से अकेले बताना, रानी को भी साथ में लेकर गया, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। देखो जी ये जो कथा हो रही है ना, हमारे अनिल प्रभु जी है और उनके धर्म पत्नी यहाँ पर बैठे हैं, देखिए दोनों मिलकर सत्संग करवा रहे। बोले क्यों? बोले दोनों को सत्संग मिला, सत्संग मिला तो दोनों ही नौकरी करते हैं, दोनों ही छुट्टी लिया, बोले चलो हम भागवत कथा कराते हैं। उनकी माता जी की भी कुछ दिन पहले उनकी देहांत हो गई, बोले इनकी माता जी की आत्मा को शांति मिले, हाँ इनके आत्मा को शांति मिले, इनकी उद्धार हो भागवत कथा सुन करके, तभी तो मिलकर कथा करवाए। इसलिए घर की दोनों पत्नी पत्नी अगर कथा सुने, दोनों को ज्ञान मिले, दोनों ही अच्छी तरह से भजन करेंगे। देखो यहाँ पर भी एक बैठे गए थे माला लेकर, उनकी एक पत्नी देखो वहाँ पर बैठ हुई टायर लेकर के, दोनों तिलक लगाए गले में कंठी माला, दोनों भजन करते हैं भक्ति करते हैं, जहाँ जाते हैं दोनों मिल करके जाते हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देवता लोग आते तो देवियों को लेकर के है, इसलिए शंकर जी भी आए अपना पत्नी पार्वती को लेकर के। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, ये कथा स्वर्ग में भी नहीं, ये कथा ब्रह्मलोक में भी नहीं, ये कथा शिवलोक में भी नहीं, शिवलोक की बात छोड़ दो, बोले वैकुंठ नास्ते अमरसा, ये जो भागवत कथा ये वैकुंठ लोक में भी नहीं। तो गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, बोले गाया ओ गरुड़ा जहां बसा
भागवत कथा सुनो, इसलिए वो बैकुंठ छोड़ करके कहां आते हैं? बोले इस मर्त्य जगत में, जहां पर कांग भुसुंडी जिस नीलगिरि पर्वतों पर बैठ करके प्रभु की कथा सुनाते हैं, वो बैकुंठ छोड़कर कथा सुनने के लिए मर्त्य जगत में आते हैं। इसलिए भागवत में बताया रसिका भूबि भावुका, इसलिए ये भक्ति रस को कहां पर आस्वादन करे? बोले ये पृथ्वी लोक, ये पृथ्वी लोक में। इसलिए भागवत में बताया न जत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, जहां पर भगवान की कथा नहीं हो, जहां पर भगवान की जन्माष्टमी राधाष्टमी नहीं हो, जहां पर होली नहीं हो, जहां पर गिरिराज की पूजा नहीं हो, कहते सुरेश लोक अभी नब्बे से बता, कहते वो अगर देवलोक भी हो, हमें वो देवलोक भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो वही चाहिए जहां पर तुम्हारे उत्सव कीर्तन कथा हो। आप लोग सब हनुमान का नाम सुने हो? कौन कौन हनुमान का नाम सुने हो? हाथ उठा, कौन कौन हनुमान को जानता है? देखो ये हनुमान जी की क्या शिक्षा देते हैं। जिस समय भगवान राम ये मर्त्य जगत छोड़कर प्रभु जा रहे हैं, अभी सारे अयोध्या वासी बैठे हुए बैकुंठ जाएंगे, सारे अयोध्या वासी बैठे हुए, इतने में भगवान राम ने देखा भैया हनुमान जी कहाँ है, ये हनुमान जी दिख नहीं रहे। कहते ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चलना है हनुमान के बिना। इसलिए प्रभु राम ने देखा भैया हनुमान जी का हनुमान नहीं दिख रहा है, इतने में भगवान राम जी हनुमान को ढूंढते देखा घर के एक कोने में हनुमान बैठ करके प्रभु राम नाम की जप कर रहे थे। इतने में राम जी पूछे, बोले हनुमान जी ये संपूर्ण अयोध्या बैठा हुआ जाने के लिए बैकुंठ, तो बैकुंठ नहीं जाओगे? इतने में हनुमान जी देखो कितनी बड़ी बात कहता है, हनुमान जी कहते प्रभु क्या बैकुंठ में तुम्हारी कथा सुनने को मिलेगी? भगवान ने कहा भैया जब मैं स्वयं वहां पर हूँ, पर ये कथा की क्या जरूरत है, मैं वहां पर स्वयं हूँ ना। हनुमान जी क्या कहते हैं? बोले प्रभु आप जहां पर हो सकता है तुम्हारी कथा वहां पर नहीं हो, लेकिन जहां पर तुम्हारी कथा हो वहीं पर 100% जहां तुम्हारी कथा है आप वहीं पर मिलते हो। इसलिए इस मर्त्य जगत तुम्हारी तुम्हारी कथा है, लेकिन बैकुंठ में तुम्हारी कथा नहीं, इसलिए जहां तुम्हारी कथा नहीं मैं वहां जाना नहीं चाहता। राम ने पूछा हनुमान जी ये बताओ फिर तो बैकुंठ कब आओगे, तो बैकुंठ कब आओगे? बोले प्रभु जब तक ये दुनिया में तुम्हारी कथा चलती रहेगी, इसलिए रामायण में बताया जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां पर प्रभु राम की कथा हो हनुमान जी उतना रूप को धारण करते हुए, आप देखना कहीं अगर रामायण राम कथा हो ना, सबसे पहले हनुमान जी की फोटो वहां लगाते, क्योंकि कथा के सबसे बड़े रसिया श्री हनुमत लाल जी है। इसलिए बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां पर प्रभु राम का कथा कीर्तन हो हनुमान जी उतना रूप को धारण करते हुए और कथा से सबसे पहले बैठ जाएंगे, और ऐसे नहीं बैठ जाएंगे, वो कथा स्थल पर प्रणाम करेंगे, कथा में बैठने हुए लोगों को प्रणाम करेंगे, कथा वाचकों को प्रणाम करेंगे, और हाथ जोड़ करके गदगद होकर के आंखों से आंसुओं को बहाते हुए हनुमान जी कथा सुनेंगे। और जो कथा विश्राम हो जाएगी, जब सबके सब चले जाएंगे, फिर हनुमान जी
सबको प्रणाम करते हुए वहां की धूल सर पर लगा करके श्री हनुमान जी जाते हैं। इसलिए बोले प्रभु जब तक ये दुनिया में तुम्हारी कथा रहेगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा, जब देखूंगा ये दुनिया में तुम्हारी कथा ही नहीं फिर तो दुनिया में एक सेकंड में नहीं रहूंगा, फिर तो सीधा मैं त्रिलोक में वैकुंठ में चला आऊंगा। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखो आप लोग जो कथा सुन रहे हैं रामेश्वर धाम में बैठ करके, हम कितने सौभाग्यवान सुखदेव गोस्वामी यही समझा रहे हैं कि देवताओं को कथा सुनने के लिए देव लोग तो छोड़ना पड़ा, ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए ब्रह्म लोग छोड़ना पड़ा, शंकर जी को कथा सुनने के लिए कैलाश छोड़ना पड़ा, गौरव जी को हनुमान को कथा सुनने के लिए वैकुंठ छोड़ना पड़ा, लेकिन ये प्रताप नगर के रामेश्वर धाम के लोगों को आपको कोई घर द्वार छोड़ना पड़ा, आपका कई घर मकान छोड़े हो, कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा, ये कथा रूपी गंगा स्वयं ये वृंदावन से बहते बहते आपके घर के सामने आ गई और हम घर में बैठ बैठ करके कथा रूपी गंगा में स्वयं हम स्नान कर लिए। इसलिए समझो हम लोग बड़ी सौभाग्यवान जो कि यहाँ बैठ करके प्रभु की कथा सुन रहे हैं। इसलिए श्री शंकर जी कहते पार्वती बोले मंजन फास ला देखाई तत्काला, मंजन फास ला देखाई तत्काला, अगर कोई गोता लगाएगा ना उसको साथ साथ में फल मिल जाएगा। बोले क्या फल है, बोले आप लोग कौवा देखे हो, कौन कौन कौवा देखे हो, सब देखते हो आप, बता कौवा के रंग कैसे है, बोलो कौवा देखने में कैसे है, काला। आप लोग कोयल देखे हो, देखे हो कोयल यहाँ पर है, कोयल का रंग कैसे, काला। अब देखना दोनों देखने में ऊपर से काले हैं, लेकिन शंकर जी कहते हैं कि अगर कौवा अगर गोता लगाए ना कौवा जो कोयल बन जाएगा। बोले मतलब क्या है, अगर कौवा यहाँ पर बैठ कर का 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 करने लग जाए ना कान दर्द हो जाता है। बोले कब बैठ कर के, कब से बैठ कर का 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 कर रहा है, लेकिन बसंत ऋतु में जो कोयल कूकती है कितने मीठी मीठी आवाज है, हाँ जिसको सुन करके हैं जिसको सुनकर हृदय सुशीतल हो जाता है। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये कथा रूपी गंगा में अगर गोता लग, कौवा मतलब क्या, जो दुनिया की बात वो का 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 करते करते रहते। अब एक जगह पर कहीं बैठ जाओ, देखना तेरा बेटा ऐसे कर रहा है, उसकी बहू ऐसे कर रही है, उसकी छोरी ऐसे कर रहा है, उसका छोरा ऐसे कर रहा है, दुनिया की बात 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 करते रहेंगे। लेकिन सत्संग में बैठो, शंकर जी कहते पार्वती अरे कौवा नहीं करे का नहीं करेगा, फिर तो कोयल बनकर कुहू 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 मतलब भगवान की कथा, भगवान की कथा सुनो तो हृदय तृप्त हो जाता है, भगवान की कथा सुनो हृदय एकदम उलझित हो जाता है, हृदय में शांति मिलती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में ये ब्रज गोपियां कहती हैं कि अगर कोई भागवत कथा सुनेगा कि तो उसको 7 लाभ होएगा, कितना लाभ होएगा, कितना लाभ होगा, 7 क्या, तो उसको 7 लाभ होगा। कोई कोई कहते हैं ना अरे हम क्यों कथा में क्यों सुनेंगे, कथा घर में बैठ रहे थे, घर का भी जो काम काम होगा, यहाँ पर रोज रोज दो दो तीन तीन घंटा हम क्यों बैठेंगे, ये कथा सुनकर हमें क्या मिलेगा। तब श्री राधा रानी कहती है भैया कथा सुन करके तुमको जितना लाभ होगा ना और किसी बिजनेस में तुम्हें इतना लाभ नहीं मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा तो तुमको ये भागवत कथा में ही सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए श्री गोपियां कहती हैं बोले कथा सुनने का क्या क्या लाभ है, आज मैं सुनाऊंगा कल आपसे मैं सुनूंगा, देखना किसको याद है, ठीक है ना। बोले तब कथा मृता तब
ये कथा अमृत को जो पान करेगा वो अमृत को प्राप्त करेगा, इसलिए भागवत का एक नाम है अमर कथा। इसलिए शंकर जी माता पार्वती को अमरनाथ में ये कथा सुनाए थे। आप लोग अमरनाथ गए हो? कौन कौन अमरनाथ गए? एक माता जी गई, और कौन कौन गए? और कोई नहीं गए ना। इसलिए अगर आप लोग अमरनाथ जाओगे वहां देखोगे शंकर जी कहां पार्वती को बैठा करके कथा सुनाए। इसलिए जिस कथा को शंकर जी स्वयं कहते वाले पार्वती ये भागवत कथा सुन करके ही मैं अमरत्व की प्राप्ति की। बोले प्रभु मेरे को भी कथा सुना दो, मैं तो शरीर छोड़ते हुए जा रही हूँ, आप तो अमर बने, आप मर नहीं रहे हो, अब अमर कैसे बने? बोले भागवत कथा सुन करके। बोले मेरे को भी कथा सुनाओ। बोले चलो तुमको अमरनाथ में लेकर कथा सुनाऊंगा। देखो ये पार्वती पहले सती थी, उसको पहले भी पार्वती कितना बार शरीर छोड़ी। बोले कब तक ये शरीर छोड़ते रहे? बोले जब तक ये भागवत कथा नहीं सुनी। लेकिन जब से उन्होंने ये भागवत कथा सुनना तब से माता पार्वती अमरत्व को प्राप्त की है। जो शंकर, शंकर जी कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी। देवी मैया कौन है? वो जगदम्बा जगत जननी स्वयं। ये कहते तब भी हम ये अमरत्व को प्राप्त की जब से हमने ये भागवत कथा सुनी। इतना ये कथा की महत्व है। इसलिए कृष्ण राधा रानी कहती हैं कथा सुनने का पहला लाभ है जगत में अमरत्व की प्राप्त करोगे। जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाए, श्री परिकृति महाराज कथा सुनाए, ये कब की है? बोले कलयुग का प्रारंभ द्वापर का लास्ट में 5,500 साल पहले। देखो उनका नाम अमर हो गया ना, अभी भी उनकी कथा, उनकी नाम, उनकी महिमा अभी भी हम बैठ करके उनकी कथा सुनते हैं। इसलिए कथा सुनने पर पहला लाभ है अमरत्व को प्राप्त करोगे। बोले दूसरा लाभ क्या है? बोले तप्त जीवनम। संसार में हम सबके सब दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई परिवार से, कोई बेटा से, कोई बेटी से, कोई बहू से, कोई सास से, कोई नंद से, दुखी दुखी काम से, देखना सब दुखी दुखी संसार में। लेकिन कहती है तुम्हारी सारे दुख समाप्त हो जाएगी, राधा रानी कहती है, अगर ये कथा को तुम सुनोगे तो। तप्त जीवनम। बोले तीसरा लाभ क्या? बोले कलमस अपहम। जीवन में जितने पाप है तुम्हारी कथा सुनने से सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएगी। और पंचवा लाभ क्या? बोले श्रवण मंगल। कथा जो सुनोगे ना बस तुम्हारे सब अमंगल दूर हो जाएगी। कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान की कथा सारे अमंगल को दूर करके जीवन में मंगलत्व की प्रदान करती है। देखो आपको रामायण की कथा सुनाता हूं, अगर अनजान में आपको पता नहीं ये कथा पता क्या होता है, भूल से कैसे कथा में आकर बैठे, आपको कुछ भी पता नहीं कथा पता क्या होता है। ये वाल्मीकि जी रामायण से पहले वाल्मीकि जी कथा को सुनाते हैं। आप ध्यान देकर सुनो कितना कथा की महत्व है। बोले एक समय ये पृथ्वी में एक राजा रानी थे, सुमति और सत्यवती। लेकिन देश का राजा रानी होते हुए भी वो दोनों अपना घर में राम दरबार है, दोनों पति पत्नी ठाकुर जी की सेवा करते थे अपने हाथों से।
हाथों से मंदिर मार्जन, हाथों से प्रसाद बनाना, ठाकुर जी को श्रृंगार करना अपना हाथों से करते थे। अगर ज्यादा समय मिलता था ना, राजा रानी दोनों बैठे जाते थे, राजा बैठ करके वाल्मीकि रामायण सुनाते थे और उनकी रानी बैठ कर कथा सुनते थे। अगर ज्यादा समय मिले मेरे तरफ में देखो, ऐसे दोनों माला झोली ले लेते थे और झोली ले करके दोनों राजा रानी बैठ करके रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन लेकिन ये राजा रानी होते हुए भी दोनों 24 घंटा ठाकुर को भजन भक्ति में लगे हुए। हम लोग ध्यान देकर सुने कथा, बड़े महत्वपूर्ण कथा है। भगवान की भक्ति सेवा करने का क्या फल है इसमें? अभी तो इनको बड़ा आश्चर्य लगा, बोले महाराज आप देश का राजा रानी हो, आपकी मति प्रभु की भक्ति में ऐसे कैसे लग गई है? इतने में उन्होंने कहा, देखो बाबा अभी तक हमने ये रहस्य किसको बताया नहीं। शास्त्र कहता है अपना भजन कथा ना कहीं भी जता कथा, इसका मतलब अपना भजन के बाद सबके साथ में मत शेयर करो। जैसे रात में बड़ी स्वप्न ठाकुर को स्वप्न देखे, ऐसे देश नहीं जिसको जिसको साथ में ठाकुर जी मेरे हाथ में खा रहे हैं, ठाकुर जी दर्शन दिए, सबको मत कहा करो। बोले किसको बोलनी चाहिए? बोले तुम्हारी भावना जो समझे, आगे तुमको भक्ति की बात जो बढ़ाकर जो उत्साह दे। साधारण व्यक्ति से बोलेगा बेकार स्वप्न भोगने, बेकार समझ, फिर तुम्हारी भक्ति की भावना घट जाएगी। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं सबको मत बात बताया करो, मना कर दिया। इतने में राजा रानी बोले, बाबा अभी तक हम ये रहस्य किसको बताएंगे, जीवन में पहला बार आपको बता रहे हैं। क्यों? आप संतो, संतों के पास में कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। बोले मैं एक जाति स्वर हूँ। जाति स्वर का मतलब होता है जिनको पूर्व जन्म की बात याद है। बोले मेरे चार जन्म की बात याद है। बोले चार जन्म की? बोले हाँ। बोले बताओ। बोले चार जन्म से पहले मैं एक शूद्र घर में जन्म लिया था, बड़ा दुष्ट था, चोरी गुंडागर्दी पीना खाना सब पाप करने करता था। एक दिन मेरे परिवार वाले दुखी होकर घर से मेरे को निकालते, और मेरी जो पत्नी देख रहे हो इसका नाम थी काली, उसने तो अपना पति को ही हत्या कर दी, इसकी परिवार वाले इसको भी घर से निकाल दिए। अभी हम दोनों घूमते घामते एकत्र तो मिले, मिले तो अपना जीवन बीत नहीं रहा था, दोनों एकत्र रहने लगे और जानवर को मार करके उसका मांस खा करके दोनों जीविका निर्वाह करते थे। जब दोनों ही वृद्ध हो गए, हमसे आहार संग्रह नहीं हो पा रहा था, बड़ी कष्ट से जीवन बिता रहा था। लेकिन हम दोनों जहाँ रहते थे पास में श्री वशिष्ठ जी का आश्रम था। एक दिन हमने देखा वहां पर कुछ लोगों को एकत्रित होते हुए। बोले भैया यहाँ क्या बात, आज यहाँ इतने लोग क्यों बैठे हैं? अभी हम दोनों वहां पर गए, देखा सुना वहां पर राम नवमी है, यहाँ पर 9 दिन तक प्रभु राम की कथा हुई। जो व्यक्ति ये कथा सुनने के लिए आएंगे, कथा के बाद में फलाहार की व्यवस्था है। हमने देखा भैया बहुत बढ़िया, आकर कथा में बैठो, कथा सुना, उसको बाद में फिर प्रसाद मिल जाएगा। वो प्रसाद तो बुद्धि था नहीं, खाना मिलेगा हमें, वो खाने का लोभ से हम लोगों ने 9 दिन तक रामायण सुने और भगवान की प्रसाद सेवा की। जब हम दोनों को मृत्यु हुई, अभी जमदूत पकड़ करके जमपुर ले गए। जब महाराज चित्रगुप्त को बोले कापी खोलो, बोले बताओ कितने पाप कितने पुण्य
बोले महाराज ये दोनों दोनों ही बड़े पापी है, कोई पुण्य जिंदगी में कोई किया नहीं, सारे पाप कर्म किया। बोले भैया देखो तो थोड़ी बहुत तो पुण्य भी होगा। उन्होंने देखा बोले हाँ इनकी थोड़ी बहुत पुण्य भी है। बोले क्या पुण्य है? बोले यहाँ पर राम नवमी में वशिष्ठ जी के आश्रम पर बैठे करके 9 दिन तक ठाकुर जी की कथा सुने और कथा के बाद में ठाकुर को प्रसाद पाए। तो वो कहते हैं बोले बाबा हमें पता ही नहीं था ठाकुर जी की कथा प्रसाद की इतने महिमा। जब महाराज सुनते ही चित्रगुप्त को बोले इसका सारे पाप काट दो, सारे पाप इसको काट दो। और हम दोनों को रमा वैकुंठ में भेजा गया, वहां पर 100 साल तक हमने सारे ऐश्वर्य को भोग किया। उसको बाद में ब्रह्मलोक में फिर आए, वहां भी 100 साल तक रहे, जितने ऐश्वर्य को वहां भी हमने भोग किए। उसको बाद में फिर स्वर्गलोक में आए, इंद्र इंद्राणी बने, स्वर्ग का सारे ऐश्वर्य हमने वहां भी भोग किए। उसको बाद में अभी पृथ्वी का दोनों राजा रानी बने, हमारी ठाड़ बात आप देख ही रहे हो। अगर हमने बच्चों बात मत करो, बाहर जाकर खेलो। इसलिए अगर हमने अनजान में 9 दिन तक प्रभु की कथा सुन करके भगवान की प्रसाद पा करके, हमें पता ही नहीं था कथा प्रसाद क्या होता है, अगर हमें इतने उन्नत पद मिल सकते हैं, हमें 4 जन्म की बात याद है। इसलिए हम दोनों पति पत्नी समय नष्ट नहीं करके ये अनमोल जीवन को 24 घंटा हम ठाकुर का सेवा पूजा भक्ति प्रभु का कथा और प्रभु का नाम लेते हैं। इसलिए हम ले रहे हैं जीवन में पहला बार आपको बताए। देखो जैसे अब लोग 7 दिन तक कथा सुनेंगे ना, जब ऊपर जाओगे ना देखो पूरा जो कापी खोलेगा ना पूरा वहां निकलेगा। आप बैठ करके कथा सुने, अगर वो तो भक्ति से नहीं सुने, अब तो भक्ति से सुन रहे हो, नियम से सुन रहे हो, आप सोच भी नहीं सकते हो ये कथा सुनने का कितने महिमा है, ये महिमा कितने। श्री वाल्मीकि जी स्वयं ये बात को कह रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय। कोई जयकार नहीं दे रहे ठीक से। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय, जय श्री श्री राधे। इसलिए बोले श्रवण मंगलम, जो सुनेगा जीवन में मंगल ही मंगल होगा। बोले श्री श्री मतलब संपत्ति, कथा सुनना घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। हाँ श्री मतलब शोभा जगत में इसकी महिमा भी बढ़ती है। दा मतलब संसार का बंधन भी खत्म हो जाएगी। इसलिए श्री राधा रानी कहती हैं जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, लेकिन ये भागवत कथा को जो दान करते हैं इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ भी नहीं। जगत में सबसे बड़ा दान है जो ये श्रीमद भागवत कथा को दान करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु जी आपको एक सुंदर भजन सुनाएंगे, पर इसके आगे की कथा आज कथा की महिमा सुनेंगे, ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात कर श्री राधे राधे। राधे राधे रटते ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम ते जाए। ये वृंदावन को कौन जाएंगे? कोई नहीं जाएंगे क्या?
वृंदावन जाएंगे डर से हाथ नहीं उठा रहे सचमुच बाबा लोग ले गए तो हमारे बच्चे का क्या होगा। तो इसलिए चलिए वृंदावन सभी लोग ताली बजा कर गाते हुए हरे वृंदावन धाम अपार रति राधे राधे हरे वृंदावन धाम अपार रति राधे राधे जपे जा राधे राधे बजाने से क्या होता है। एक संत दूसरे संत से पूछा, बोले जहां देखो वहीं कहते हैं ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। कीर्तन में जागरण में कथा में जहां देखो वहीं कहते हैं ताली बजाओ। आखिर ताली बजाने से होता क्या है। तो दूसरे संत बोले कि कीर्तन में ताली बजाने से पाप निकल जाता है। तो दूसरे संत बोले फिर पाप निकल कर जाता तो जाता था, उसको तो रहने के लिए जगह चाहिए। बोले देखो कीर्तन में जो ताली बजाते हैं उनका पाप निकल करके उनके सिर पे बैठ जाता है जो ताली नहीं बजाते। ठीक है, इसलिए आप कोई पाप बैठना चाहेंगे नहीं चाहेंगे तो ताली बजा के गाइए वृंदावन धाम राधे राधे
देखो अभी झालावाड़ गया था मैं तो वहां एक माता जी आई मेरे पास और बोले थाने की बोलू बेटा। मैंने कहा बोलो माता जी क्या बात है। बोले थारी कथा तो इतनी मधुर क्या बात है। मैंने कहा माता जी आपने प्रसंग में क्या सुना कथा में। बोले मोहने थारी कोनी पतो। मैंने क्या पता फिर क्या सुना आपने। बोले बेटा थाने किए बोलो मैं दिन में 10-10 गोली खाऊं नींद की तो माने कोनी नींद आवे और थारी कथा में बैठते ही नहीं जा। तो ऐसा भी कई लोग है कथा में आके सो जाते हैं। सोना नहीं ताली बजाकर तो नाचना चाहिए। हाँ नाचना भी चाहिए कभी तो नींद नहीं ना आगे। सभी लोग ताली बजाते रहे आएंगे और नाचेंगे। Let's go.
अच्छा वृंदावन में लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं? हाँ राधे राधे बोलना है, तो आइए सभी लोग एक बार ताली बजाकर बोलेंगे, प्यार से बोल लो फेसबुक में भी देखोगे और यूट्यूब में भी देखोगे इनकी कथा आती है। और ये जयपुर में कभी जब कॉलेज में जा करके जो यंग बच्चे हैं उनको भजन के बारे में उपदेश देते हैं, कैसे हम लोग भगवान की भक्ति कर सके। कि प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। माय गॉड, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्ण कृष्ण कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सप्तम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलील प्रविष्टो विष्णु पाद स्तोत्र श्रुत श्री शिव शील भक्ति विधान शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। पूज्य पाद मंचासीन श्री शिव शील भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। हम लोग किसी भी चीज पे विश्वास करते हैं देख के,
या फिर सुन के। हमारा विश्वास जो है कब दृढ़ माना जाता है, देख के या सुन के? देख के नहीं, शास्त्र बोलते हैं सुन के। देखने वाला जो होता है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन सुनने वाला गलत नहीं होता। अगर सुनाने वाला व्यक्ति ठीक है तो इस चीज को समझो, जो हमारे शास्त्र है, शास्त्र को देखा नहीं जाता, सुना जाता है। और शास्त्र किसने बोले हैं? भगवान ने बोले हैं, भगवान की वाणी है। तो ऐसा हो भी सकता है जो हम आंखों से देख रहे हैं वो ठीक नहीं हो, लेकिन हम कानों से वो वस्तु सुनते हैं जो भगवान ने बोली है, वो गलत नहीं हो सकती, वो 100% ठीक है। समझ में आ रहा है? अब भागवत की जो महिमा है, शास्त्र में तो बहुत लिखी, उसको हमने सुना भी, लेकिन कई बार सुनने के बाद विश्वास ही नहीं होता। जैसे हमें कोई बोले कि भैया हनुमान जी ने इतने बड़े पहाड़ को उठा लिया और उड़ के लंका चले गए और वहां पे जाके उनको दे दिया, पूरी लंका अपनी पूंछ से जला दी, कई बार विश्वास ही नहीं होता। अरे हनुमान जी पूरे सूरज को निकल गए, विश्वास होता है? सच बताओ, विश्वास होता है कि हनुमान जी उठे और उनके पूरे सूरज को ही निकल गए? विश्वास होता है क्या? मुझे तो होता नहीं है। तो हम लोग ऐसे हैं कि अभी हमें शास्त्रों की वाणी पे विश्वास नहीं होता, हम लोग हैं बद जीव। लेकिन भागवत की जो महिमा बताई गई है, कहते हैं भागवत ग्रंथ की जो महिमा है वो ऐसी है, ब्रह्मा जी जब सृष्टि करेंगे, सृष्टि करने से पहले वो चिंतित हो गए कि भैया मैं हूं कौन, मुझे पता ही नहीं है सृष्टि कैसी करनी है, मुझे आता ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, चतुश्लोकी भागवत सुना। तो इस भागवत कथा को सुनने के बाद ही ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि कर डाली। उसके बाद विष्णु जी इस पूरी सृष्टि का पालन करेंगे, विष्णु जी भी सृष्टि का पालन कैसे करेंगे, वहां पे वो भी चिंतित हो गए। तो विष्णु भगवान ने भी श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण किया और भागवत के बल से ही विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं। किसके बल से? बताया, भागवत कथा के बल से ही। तो देखो ये भागवत कैसा ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु तीनों इसका पाठ करते हैं। ब्रह्मा जी भागवत के बल से ही उन्होंने सृष्टि कर डाली, शिव जी ने विनाश करते हैं और विष्णु जी पालन करते हैं। इस भागवत ग्रंथ की बहुत बड़ी महिमा है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताऊंगा, हमारे गुरुदेव के समय की बात है। मथुरा में हमारे गुरुदेव के चरणाश्रित एक भक्त था, नवयुवक था, उसकी शादी भी हो गई, लेकिन उसके जो पिताजी थे वो अपने बेटे को भक्ति नहीं करने देते थे और अपने बेटे को मना करते थे, नहीं गौड़िया मठ में नहीं जाना, साधुओं के साथ नहीं करना। लेकिन फिर भी अपना पिता का विरोध करते हुए वो भजन में लगा रहा। समय के अनुसार उसके पिताजी का देहांत हो गया। अब जब उसके पिताजी का देहांत हो गया तो उनके पिताजी ने किसी प्रकार का कोई पाठ पुण्य कुछ भी किया नहीं था, नशा आदि भी करते थे। तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, उनके पिताजी को सूअर की कुत्ते की योनि में जाना पड़ा और उनके घर के बाहर ही कुछ महीने के बाद कुत्तों का जन्म हुआ, जिसमें से एक उनके ही पिता थे। अब पिताजी बार बार अपने बेटे के सपने में आके बोलते हैं कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे घर की गली में जो भी कुत्तों ने जन्म दिया है, कुत्तियां ने, उसमें से एक कुत्ता मैं हूँ। अब उनको कुत्ते का जन्म मिल गया और बार बार आके अपने बेटे को बोलते हैं। उसके बेटे ने हमारे गुरुदेव शिला पूज्य पाद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी को गुरु जी का चित्रपट लगा है। तो मथुरा में गुरुदेव के चरण आश्रित इस भक्त ने आके गुरु जी को ये समस्या बताई कि मेरे पिताजी ने तो पूरा जीवन भजन किया नहीं है, अब कुक्कुर की योनि में जा चुके हैं, अब बताओ उनका उद्धार कैसे होगा। तो गुरुजी ने बोला भागवत कथा से होगा, भागवत कथा रखो, भागवत कथा से उनका निश्चित उद्धार होगा। तो उनके घर पे ही गुरुजी रोज भागवत कथा करने जाते थे, घर के आसपास के जो मोहल्ले के लोग हैं वो सब आते थे, और जो उनके पिताजी थे, उनके पिताजी जो थे वो भी रोज भागवत सुनने के लिए बिल्कुल पंडाल के बाहर बैठ जाते थे। और महाराज जी की पूरी उसने कथा सुनी। सातवें दिन जब कथा विश्राम हुई, कीर्तन हो रहा था, सातवें दिन ही उस कुत्ते ने अपने प्राणों को त्याग दिया कथा के तुरंत बाद। और उसके बाद उसने रात को आके अपने बच्चों को बोला कि मुझे क्षमा करो कि मैं तुम्हें पूर्व जन्म में साधु के पास जाने से मना करता था, भागवत कथा सुनने से मना करता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि भागवत कथा का क्या फल होता है। मैं तो 84 लाख योनि में भटक चुका था, लेकिन तुम्हारे गुरुदेव की कृपा से मुझे भागवत सुनने को मिली और मेरा उद्धार हो गया। तो भागवत की बहुत महिमा है। हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी, अभी महाराज जी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में कथा कर रहे थे, वहां पे एक दंपंती जिनको 18 साल से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, जैसे महाराज जी का सातवां दिन हुआ, कथा समाप्त हुई, उन लोगों ने इसी उद्देश्य से सुना कि हमें संतान की प्राप्ति हो, 18 साल से उनकी संतान नहीं थी, महाराज जी ने उनके हाथ में फल दिया और उनको एकादशी व्रत रखने को बोला, उनका संतान हो गया।
अब अपने संतान को लेके आते भी हैं, हमारी वृंदावन में लेके आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रत्यक्ष उदाहरण देखने से समझ में आता है कि नहीं, भागवत की बहुत महिमा है। मैं पुरुषोत्तम मास में यहाँ पे भागवत करने आया था जयपुर में ही, एक माता जी आई, हमने करी थी वो कथा सोडाला में करी थी। तो वहाँ पे एक माता जी आई और उन माता जी का जो भतीजा था वो, उसका शरीर जो है 6 फुट से सूख के 4 फुट हो चुका था, यानी कि उसके एक बीमारी होती है, उसका नाम मुझे स्मरण नहीं है। उस बीमारी में आपका शरीर जो है सुकड़ता रहता है और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और उसमें आखिरी में व्यक्ति के प्राण छूटते ही हैं। तो उस माता जी ने आखिरी दिन आके बोला कि मैं तो इसी उद्देश्य से कथा सुन रही थी कि मेरा जो भतीजा है उसकी सदगति हो जाए। हमने कहा आपने 7 दिन कथा चुनी है, बहुत अच्छा है और निश्चित हो जाएगी। बोली नहीं, लेकिन हो जानी चाहिए थी, 7 दिन पूरे हो गए, हुई नहीं। मैंने कहा पहले बोलते तो उनके संकल्प से सुनते। मैंने कहा कुछ नहीं होता, आप फिर भी निश्चित रहो आपकी जो भांजा है उसकी सदगति ही होगी। 2 दिन बाद एकादशी व्रत आ रहा है, एकादशी व्रत में ही हो सकता है उसका शरीर शांत हो जाए, अच्छी तिथि आ रही है। अगले दिन सुबह सुबह उनका फोन आया कि रात को ही मेरा जो भांजा था उसकी सदगति हो गई। वो बहुत तड़प रहा था, उस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था, वो ऐसी बीमारी थी। तो ऐसे कितने सारे उदाहरण देखने से समझ में आता है कि नहीं, वास्तविक में भागवत कथा की बहुत 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 महिमा है। भागवत कथा को साक्षात कृष्ण स्वरूप बताया गया है। जैसे गोविंद देव जी कौन है? साक्षात कृष्ण है, हमारे सामने विग्रह के रूप में आते हैं। उसी प्रकार से भगवान जब ग्रंथ का रूप धारण करते हैं तो वो ग्रंथ का रूप ही कौन है? श्रीमद् भागवत, यानी कि श्रीमद् भागवत स्वयं भागवत, यानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ही भागवत के स्वरूप में हम लोगों पे कृपा करने के लिए आते हैं। तो ये जो भागवत ग्रंथ है इसको सुनने की एक पद्धति भी है। हमारे गुरुवरों ने भागवत ग्रंथ को सुनने की एक पद्धति बताई है, वो पद्धति क्या है? शरणागत होके सुनना। जब श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के बोला, कार्पण्ये दोष उपत् स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ चेता स्यार निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शादी माम त्वं प्रपन्नम्। कि हे कृष्ण, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, मैं आपका शरणागत होता हूँ। और जब उन्होंने भगवान कृष्ण की शरणागति स्वीकार करी तब जाके भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश बोलना शुरू किया। उससे पहले क्या है, केवल अर्जुन बोल रहे हैं और भगवान केवल सुन रहे हैं, बोलते नहीं है। तो एक व्यक्ति जब शरणागत होता है, शरणागत होने के बाद ही वास्तविक में उसको भागवत की सारी कथाएं समझ में आती है। हमें जैसा बोला गया है कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, इसी जन्म में तो छोड़ो, 7 दिन तो बहुत लंबा, एक दिन भी क्या, भागवत का एक श्लोक भी बहुत लंबा, आधा श्लोक भागवत के आधे श्लोक का भी पुनः आधा, उसमें भी इतनी शक्ति है कि वो हमें साक्षात कृष्ण के दर्शन करा सकता है, कृष्ण प्रेम दे सकता है। तो बाकी भागवत का तो कहना ही क्या, 18,000 श्लोक है। केवल एक श्लोक का भी आधे का भी अगर आधा हम लेखे, उसका एक शब्द भी देखे भागवत का, तो उसमें भी इतनी शक्ति है कि हमें वो कृष्ण की प्राप्ति करा सकता है। लेकिन कमी कहाँ पे आती है? शरणागति में कमी आती है। जैसे डॉक्टर ने अच्छा दवाई दे दिया, बोल दिया इस दवाई को इतने समय पे खाना है, ऐसे खाना है, लेकिन हम लोग ही नहीं खाते तो किसकी गलती? हमारी गलती, डॉक्टर की भी गलती नहीं है, दवाई की भी गलती नहीं है। तो भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे सारे दुखों को खत्म करके हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति को प्रदान करता है। और भागवत सुनने का मौका सबको नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत में ही बताया गया है, भव अपवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तरहि अच्युत सत् समागमा। श्रीमद् भागवत कह रही है कि जब इस संसार में भ्रमण करते 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 भव अपवर्गो, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी प्रजा बन जाता है, कभी शूद्र बन जाता है, कभी कीट बन जाता है, इस संसार में भ्रमण करते करते जब किसी व्यक्ति का तरने का समय आता है, किसका समय आता है? तरने का समय आता है, तब भगवान उसके ऊपर कृपा करके उसको अच्युत सत् समागमा, उसको अपने भक्तों का संग देते हैं, उसको भागवत कथा सुनने का एक अवसर प्रदान करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को भगवान के भक्तों के मुख से हरि कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, श्रीमद् भागवत कहती है ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। क्या है भगवान की सबसे बड़ी कृपा? सत्संग मिल जाना, भगवान की कथा मिल जाना,
इस जगत में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इस कथा इस जगत में एक ही चीज का अकाल है। हमारे गुरुवर बोलते थे कि जो शुद्ध भगवान की हरि कथा है उसका इस जगत में अकाल है, हर चीज मिल जाएगी, कहीं पे भी चले जाओ किस चीज की कमी है। लेकिन एक ऐसी शुद्ध हरि कथा जो हमारे चित्त को इस जगत से हटा के भगवान के चरणों में ले जाए वो है भागवत कथा। मानो भागवत कथा क्या करती है, हमें इस प्लेटफॉर्म से उठा के कहां पे लेके चली जाती है, भगवान के सीधा साक्षात चरणों में लेके जाती है। तो ये जो भागवत कथा है, हम आने वाले दिनों में बड़े सुंदर सुंदर प्रसंगों को श्रवण करेंगे, भागवत की महिमा, शुकदेव गोस्वामी, सौनक आदि का संवाद, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मैंने जब सोडाला में कथा किया यही जयपुर में, तो सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह सुना। अब जब 7 दिन कथा खत्म हो गई तो एक माता जी मुझे आके बोलती है कि आपने भागवत तो पूरा कर दिया, लेकिन भागवत के बाद तो यज्ञ भी करते हैं, करते हैं या नहीं करते, भागवत के बाद तो यज्ञ भी करते हैं। जयपुर में ये नियम है कि जो भी भागवत करेगा भागवत के बाद यज्ञ करेगा, तो आप भी अब यज्ञ करवाओ। मैंने बोला माता जी आपने भागवत सुनी नहीं है, फिर भागवत की शुरुआत कहाँ से होती है, भागवत की शुरुआत होती है यज्ञ बंद करवा के। शौनक आदि ऋषि थे, 88,000 ऋषि बैठ के यज्ञ कर रहे थे, और वो यज्ञ 2-4 घंटे का नहीं था, वो यज्ञ करते करते उनके हजारों साल बीत गए थे। हजारों साल से वो वहां पे निर्जला बैठे थे यज्ञ के आगे, और उनका पूरा शरीर पूरा काला हो चुका था। यज्ञ की जो अग्नि निकलती है, अग्नि से जो धुआं निकलता है, उनसे उनका पूरा शरीर काला हो चुका था। जैसे ही उनके सामने 88,000 ऋषियों के सामने जैसे ही सूत गोस्वामी आए, उन्होंने उसी समय यज्ञ को बंद कर दिया। बोले इतना साल यज्ञ कर लिया और यज्ञ का फल यही है कि अब हमें सूत गोस्वामी मिल गए, इनके मुख से हम भागवत कथा सुनेंगे, हमारा शरीर पूरा काला हो चुका है यज्ञ करते करते, तब भी कुछ होता नहीं है। अब जब सूत गोस्वामी जी मिले हैं तो सब कुछ छोड़ के हम क्या करेंगे, केवल भागवत श्रवण करेंगे। परीक्षित महाराज जी मरने वाले थे, मरने से पहले वो तो नहीं भागे गोविंद देव जी के दर्शन करने, वो तो नहीं भागे गंगा स्नान करने के लिए, वो कहाँ पे बैठ गए, एक ही जगह पे बैठ गए। क्या तीर्थ यात्रा करने गए, हरिद्वार गए, काशी गए, कुरुक्षेत्र गए, कहीं भी नहीं गए, चुपचाप बैठ गए। क्यों, वहां पे भागवत कथा आ चुकी है। तो बताया जहां पे भागवत कथा होती है वहां पे सारे तीर्थ आ जाते हैं। आप लोग बद्रीनाथ गए हैं, केदारनाथ गए हैं, चार धाम कौन कौन गए, हाथ ऊपर करो। बाकी लोग चार धाम नहीं गए, देखा अच्छी तरह कथा नहीं सुन रहे। मैंने भी क्या बोला था, जब भागवत कथा आती है वहां पे सारे तीर्थ आ जाते हैं, तो यहाँ पे सारे तीर्थ आ गए नहीं आ गए, विश्वास होता है। अगर आप घर पे जाके बोलो आज तो हम सुबह गए थे 4 घंटे के अंदर, हम बद्रीनाथ भी हुआ है, केदारनाथ भी हुआ है, गंगोत्री भी हुआ है, यमुनोत्री भी हुआ है, घर वाले विश्वास करेंगे, घर वाले बोलेंगे भाई पागल हो गए हो क्या, 4 घंटे में गंगोत्री यमुनोत्री सब जगह हुआ है। लेकिन नहीं, शास्त्र बोलते हैं, और बोला ना, जो आंखों से देखेंगे वो सत्य है, जो कानों से सुनेंगे वो सत्य है, जो कानों से सुनेंगे, आंखों से देखने से नहीं समझ में आता कैसे हो क्या है। लेकिन भागवत कहती है कि जहां पे भागवत है वहां पे सारे तीर्थों का वास है। अगर कोई व्यक्ति वास्तविक में भागवत कथा को सुनता है तो उसने भारत की जितनी पुण्य नदियां हैं सब में स्नान कर लिया, गंगे, यमुने, सरस्वती, गोदावरी, सारी नदियों में उसका स्नान करना हो गया। तो अगर हम भागवत को शरणागत होके सुनेंगे, शरणागत होके, जिस दिन हम भागवत को शरणागत होके सुनेंगे, तो ये जो कथा है भागवत किसने लिखी है, ये ग्रंथ किसने लिखा, वेदव्यास जी ने लिखा। कैसे लिखा, इन्होंने भगवान की सारी लीलाओं को देख के लिख दिया। कैसे लिख दिया, देख के लिख दिया। तो जो संत देख के लिख सकता है, जो संत देख के लिख सकता है, क्या वो हमें सुना के हमें दिखा नहीं सकता, समझ में आ रही है। जब उन्होंने सब कुछ देख के लिखा, अगर उसी कथा को हमारे लिए लिखा, अगर हम उसको पढ़ेंगे, उन भक्तों के मुख से सुनेंगे, उसको सुनने से हम भी उसको देख पाएंगे। लेकिन कैसे सुनना पड़ेगा, शरणागत होके सुनना पड़ेगा। तो इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवत कथा मृत की जय। प्रभु जी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई। ये एक भागवत का श्लोक है, सुतो गोस्वामी कहते हैं, बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। थोड़ी बहुत संस्कृत समझते हो, बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, बोले पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वसन्ति तत्र, वहीं पर निवास करते हैं। बोले कहाँ पर, बोले जथा चुतादर कथा प्रसंग, जहाँ पर भगवान की कथा हो रही है सारे तीर्थ वहीं पर बैठ रहे। आपको एक सही घटना सुना रहा है, जैसे यहाँ पर कथा हो रही है ना, कहीं कहीं से कथा हो रही है,
और कथा में एक संत बैठ करके कथा सुन रहे थे, बड़े भावुक थे। जब कथा की विश्राम हो गई, सब के सब चल पड़े, लेकिन वो संत तो वहीं तो वहीं बैठ रहे। इतने में उसने देखा एक काला घोड़ा कहीं से भागते 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 आया, और जहां पर ये कथा हो रही थी वहीं पर उसने लोटपोट खाना शुरू कर दिया। करते करते धीरे 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 वो काला जो घोड़ा था एकदम सोने बन गया। वो संत समझ गए कि घोड़ा कोई साधारण नहीं, तो उन्होंने उनका हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, बोले महात्मा जी आप कौन हो, लगता है आप कोई घोड़ा नहीं, क्योंकि हमने पहले देखा आप तो तुम काले बने हुए थे और यहाँ लोट पोट खाते खाते सोने हो गए, आप कौन है। देखो क्या कहता है, बोले मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। आप प्रयाग गए हो, कौन कौन तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती जहाँ तीनों नदी के मिलन है वो प्रयाग है, तीर्थराज है, तीर्थ में राजा है। बोले तीर्थराज प्रयाग, बोले हाँ, बोले पहले देखा आप तो काले बने हुए थे, क्यों, बोले जितने पापी आ करके स्नान करते हैं और सारे पाप छोड़ करके चले जाते हैं उनकी बोझ से मैं काला हो जाता हूँ। बोले यहाँ पर लोटपोट क्यों खा रहे थे, बोले थोड़ी देर पहले यहाँ भागवत कथा हुई थी ना, बोले हाँ, बोले जहाँ पर ये भागवत कथा हो कहते सर्वाणी तीर्थानी बसंती तथा पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ वहीं पर बैठते हैं और वहीं पर सारे पवित्र हो जाता है वो स्थान। मैं ढूंढता रहता हूँ कहाँ पर ये भागवत कथा होती है, मैं जा करके जहाँ लोट पोट खाने पर शरीर का सारे पाप की बोझ उतर जाती, फिर मैं पापियों का पाप को ग्रहण करता हूँ। इसलिए जो व्यक्ति ये भागवत कथा रूपी गंगा में स्नान करते हैं, समझो पृथ्वी के सारे तीर्थ में बैठ बैठ करके स्नान कर लिया, बल्कि उससे ज्यादा महत्व है। आप लोग हरिद्वार गए हो, कौन कौन हरिद्वार गए हो, वहाँ हर की पौड़ी गए हो, हर की पौड़ी आप देखना वहाँ लिखा हुआ सावधान आगे गहरा पानी है, ज्यादा अंदर में थोड़ी जाकर डुबकी लगा हुआ तो क्या होगा बताओ, इतने तेजी पानी बह रही है, अगर थोड़ी सी अंदर में चली गई डुबकी लगे तो मर जाओगे, गंगा में भी ज्यादा डुबकी लगे मर जाओगे। लेकिन आपने कभी सुना है कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाने पर मर जाओगे, कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाओगे तो क्या होगा, तैर जाओगे, उससे तैर जाओगे। इसलिए भले ही जितने कथा रूपी गंगा में डुबकी लगा सके ना, कहते उतना ही तैर जाओगे। इसलिए गंगा में स्नान करने से भी ज्यादा महत्व है जो कथा रूपी गंगा में नहाओगे, क्यों, गंगा में नहाओगे तो केवल थोड़ी पाप दूर होगा और कुछ नहीं, फिर घर में आकर दो बार वही पाप करोगे, लेकिन कथा रूपी गंगा में नहाओगे ना तन तो साफ हो ही जाएगा, मन भी सुधर जाएगी और आत्मा का भी कल्याण हो जाएगी। इसलिए कथा रूपी गंगा में स्नान का सबसे ज्यादा महत्व है। अभी सुनाना, स्वर्ग से देवता लोग आते हैं, ब्रह्मा लोग से ब्रह्मा जी आते हैं, शिव लोग से शंकर जी आते हैं और वैकुंठ से स्वयं गरुड़ जी हनुमान भी आकर के ये कथा रूपी गंगा में वो भी स्नान करते हैं। इसलिए कथामृत की सबसे ज्यादा महत्व श्री कथामृत की। बोले श्रीमद् भागवत कथामृत की जय, जय श्री राधेश। अभी हम लोग कितने बजे तक कथा सुनोगे, 5 बजे तक है ना, 5 बजे अंदर में हम कथा को विश्राम दे देंगे, ठीक है। आप लोग टाइम में से आओगे ना, हम टाइम में कथा को विश्राम दे देंगे और 15-20 मिनट की कथा सुनेंगे, ठीक है। देखो अभी हम लोग जो कथा सुनेंगे, कभी ये भागवत कथा की महिमा 2 पुराण में आती है, एक पद्म पुराण में और एक स्कंद पुराण में। आज हम लोग श्री पद्म पुराण की कथा सुनेंगे। बोले जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी ये परीक्षित महाराज को कथा सुनाए, कथा की विश्राम होते ही सीधा वैकुंठ से एक रथ उतर कर आया। श्री परीक्षित महाराज एक सुंदर गोपी मूर्ति धारण करते हुए रथ में बैठे और वो भूर भूगो मोह जन तपस्त लोग को पार करते हुए सीधा गोलोक वृंदावन चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले परीक्षित महाराज कुछ नहीं किया, अभी कथा सुना रहे थे ना, कोई दान पुण्य तीर्थाटन कुछ नहीं किया उन्होंने, केवल बैठ करके उन्होंने कथा ही सुनी और कथा सुने तो सीधा गोलोक वृंदावन से रथ
और सारे लोग को पार करते हुए गोलोक वृंदावन और राधा रानी की दासी बन करके उन्होंने ब्रह्म लोक में उन्होंने एक तराजू ली, एक तराजू का एक तरफ में ये जगत का जितने सत्कर्म है, दान पुण्य तीर्थाटन स्कूल कॉलेज खोलना, जितने तराजू का एक तरफ में धर दी, तराजू के दूसरे तरफ में केवल भागवत कथा की महिमा को धरे। देखा भागवत कथा की इतने महत्व है, जिधर भागवत कथा धरे पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा, और दूसरे तरफ में जितने सत्कर्म था वो सब के सब हल्का होकर ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी को पता चला भैया ये भागवत कथा जैसे पुण्य जगत में और कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए ब्रह्मा जी कौन है, बोले महाभागवत है। तब उन्होंने उनको बेटा कौन, श्री नारद जी चतुर्सने भी सबके सब ब्रह्मर्षि है, बड़े बड़े संत हैं, बोले भैया ये ब्रह्म लोक में आज से नित्य निरंतर ये भागवत कथा ये ब्रह्म लोक में चलते रहे। इसलिए एक दिन श्री नारद जी ये मर्त्य जगत को पुण्य लोक मान करके एक दिन श्री नारद जी आए। नारद जी सर्वत्र उन्होंने भ्रमण किया, लिखा ये कलियुग सब जगह पर अपना प्रभाव विस्तार करके बैठा हुआ, ये कलियुग किसी को छोड़ा नहीं, साधु संत को नहीं छोड़ा, तीर्थ स्थान को नहीं छोड़ा, घर गृहस्थी को नहीं छोड़ा, ये कली को कली किसी को भी नहीं छोड़ा। उसने सोचा भैया वृंदावन धाम तो भगवान कृष्ण का धाम, थोड़ा वृंदावन धाम में चलते हैं। इतने में श्री नारद जी बिना बजात बजात श्री वृंदावन में पधारे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद किनारा में पहुंचे, एक आश्चर्य घटना देखा, एक सुंदर एक युवती बैठी हुई, दोनों पास में दो वृद्धा लेटे हुए हैं, और बड़ी सुंदरी सुंदर कुछ सखियां वो जो बीच में एक सुंदरी बैठी उनकी सेवा कर रही थी। नारद जी देखा भैया वृंदावन धाम यहाँ तो हर जगह पर सत्संग चलती रहती है, शायद यहाँ पर सत्संग होती होगी। लेकिन नारद जब वहां पर गए देखा भैया सत्संग नहीं, उधर रोना रोना है, सब रो रहे हैं वहां पर बैठ करके। जो बीच में युवती थी, संत ने देखा भैया संत से रोना धन का क्या काम, संत जी नारद जी वहां से भगे। इतने में वो जो बीच में बैठी हुई थी बोले भव साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता अति नाशय, बोले हे बाबा थोड़ी सी रुक जाओ, क्योंकि बड़े भाग्य से कई संतों की दर्शन मिलता है, आप तो कृपा करके आए, फिर कहाँ जा रहे हो। इतने में नारद जी खड़े हो गए, बोले आप कौन हो, बोले आप मेरे को नहीं जानते हो, बोले लगता है तो कहीं देखा लेकिन याद नहीं आ रहे, बोले अहम भक्ति रीति ख्याता, कहते मेरे जो नाम है ना ये भक्ति देवी है, ख्याता मतलब भक्ति की बड़ी महिमा है, बोले अहम इति भक्ति ख्याता, और ये जो दोनों जो लेट हुए ना एक ज्ञान और एक वैराग्य है, ये मेरे तो बेटे हैं। बोले नारद जी ये जगत का नियम है, माँ होती तो वृद्धा और बच्चे होते हैं जवान, लेकिन मेरी दुर्दशा को देखो, मैं माँ तो यहाँ पर युवती, लेकिन ये दोनों मेरे जो बेटे हैं ना ये वृद्ध हो गए। बोले वृद्ध कैसे हुए, बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम, बोले द्रविड़ देश में मेरी जन्म हुई, बोले वृद्धि कर्नाटक गता, बोले कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, बोले क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे आदर मिले, लेकिन गुर्जरे जिन्दताम गता, लेकिन गुजरात में जाकर के तो बुरी हो गई। बोले बुरी क्यों हो गई, पहले ये गुजरात के लोग बड़े नास्तिक लोग थे, अगर कोई संत चले जाए तिलकधारी कंटीधारी चोटीधारी, अगर किसका चोटी देखे ना बोले बाबा क्या तुम्हारी एरियाल है,
गले में अगर तुलसी कंठी देके बोले कौन सा पाप किया तुमने लकड़ी पहन ली, अगर तिलक देख लेना बोले कि बगुला क्या ठाठी कर दिया है। जब तक वो संतों को भगा नहीं दे वहां से, जब तक वो संतों को वहां से खदेड़ नहीं दे देश से, उसको पीछा नहीं छोड़ते थे। किसकी घर में तुलसी की वृक्षा नहीं, किसी घर में ठाकुर का कोई सेवा पूजा नहीं, बड़े नास्तिक लोग थे। भले मैं गुजरात में आकर के बूढ़ी हो गई क्योंकि मेरे को पूछने वाले नहीं, लेकिन अभी आप गुजरात में जाओ ना, भक्ति की सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रभाव है गुजरात होगा। बोले क्यों, कारण क्या? बोले वहां पर संत लोग जन्म हुए, श्री तुकाराम जी, नरसिंह भगत, बल्लभाचार्य, विठलाचार्य, ये संत लोग वहां पर जन्म हुए। इसलिए भागवत में बताया जहां पर एक संत जन्म ले ले तो उसका प्रभाव से ये करोड़ों योजन तक पवित्र हो जाता है। इसलिए भगवान नरसिंह देव कहते हैं अगर एक वंश में एक भक्ति करने वाले एक व्यक्ति जन्म हो जाए, देखो कितना लाभ है, कितना लाभ है। भगवान स्वयं कहते हैं बोले प्रह्लाद तुम जो जन्म हुए हो, बोले कुलम पवित्रम, उसका एक ही सीढ़ी उधार हो जाती है। हाँ, जननी कितार्था, जो माँ जन्म देती है उसका कोख भी धन्य हो जाती है। बोले नृत्यन्ति स्वर्गे, जो पूर्वज जो पहले चले गए वो नाचना शुरू कर देते हैं। जिस पृथ्वी पर वो जन्म लिया ये पृथ्वी भी धन्य हो जाती है उनकी चरण स्पर्श पा करके। जब वो हाथ उठा करके नृत्य करता है स्वर्ग में, देवता को कल्याण होता है। जब अपना प्रेम भरी दृष्टि से दर्शन करता है, जितने दूर तक उसका नजर जाए जितने सारे दुख कष्ट दूर हो जाता है। इसलिए श्री वहां पर बड़े बड़े संत लोग जन्म हुए, संतों की जन्म से वो स्थान पवित्र हो गया। देखो एक समय एक कथा सुना, एक समय एक जंगल में बहुत सारे भूत रहते थे। जब भूत रहते थे एक संत ने जब शरीर छोड़ा उसी जंगल में लेकर उनकी दाह संस्कार की गई। जब दाह संस्कार करने से शरीर से आग जलती है, धुआं निकलती है, उस चुके को कोई संत था उसकी दाह संस्कार हुई तो उसको शरीर से जो धुआं निकली, धुआं से वो जंगल में जितने भूत पिशाच थे ना सबके सब पवित्र हो गए, सबके सब उद्धार हो गया। लेकिन बाईचांस कहिए कि भूत कहीं चला गया था बाहर, वो भूत कुछ दिन बाद में आकर देखा उसका परिवार कोई नहीं, वहां परिवार खत्म। बोले भैया मेरे परिवार लोग कहाँ गए, परिवार कहाँ गए? उनको पता चला किसी संतों की यहाँ पर दाह संस्कार हुई, वो दाह संस्कार से ही उनकी धुआं से कल्याण हो गया। बोले भैया मैं तो अकेला रह गया, मेरी कैसे कल्याण होगी? जहां पर उनकी दाह संस्कार हुई थी वो भूत वहां पर जाकर लौट पोट उठाने लग गया, वहां पर गड़ागड़ी देना शुरू किया तो उसकी स्पर्श से उसका भी उद्धार हो गया। मतलब एक संत जन्म लेने का इतने महत्व है, इतने महत्व। हमारी संप्रदाय में एक संत श्रील प्रभुपाद जन्म हुए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, एक संत ऐसे जन्म हुए जिससे अक्षय पात्र का नाम सुने होंगे, इसको नाम सुने होंगे, संपूर्ण एक संत हुए तो संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने सबके सब कृष्ण भक्त बना दिए, सबके सब भक्त बना दिए। एक एक संत हुए तो एक एक ब्रह्मांड को उद्धार कर देते हैं। इसलिए कहते गुजरात में आकर के मैं वृद्ध हो गई हूँ, लेकिन जब वृंदावन में आई हूँ बल भक्ति नृत्य थे जब वृंदावन धाम क्या बल श्री राधारण के हृदय है। वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं, वहां का जो भूमि चिंतामणि, वृक्ष कल्प वृक्ष, पानी अमृत, अगर कोई चलता है लगता है कोई नृत्य करता है। इसलिए वृंदावन धाम में आकर के तो मैं हो गई जवानी, लेकिन मेरे जो दो बेटे थे ना ज्ञान वैराग्य हो गए बूढ़े। बोले क्यों, बोले इनको कोई पूछने वाले ही इसलिए ही हो गए वृद्ध। बोले इनके कल्याण कैसे हो, तब श्री नारद जी उनको कानों में जितने वेद पुराण उपनिषद एक एक करके सुनाया, लेकिन कोई चेतनता नहीं भाई। गीता सुनाया तो थोड़ी सी चेतनता हुई, और गीता खत्म हो गई धड़ाम करके गिरे। इतने में नारद जी सबको उन्होंने प्रश्न किया लेकिन सही सही उत्तर कोई नहीं दे पाए। जब चतुर्सेन से पूछा बोले चिंता क्यों करते हो, ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ, इसी से तुम्हारी ज्ञान वैराग्य जवानी और भक्ति भी जवानी हो जाएगी। बोले कहां पर कथा सुनाए, बोले हरिद्वार में सुनाओ, हरिद्वार में सुनाओ। जब चतुर्सेन कथा करेंगे ये बात को पता चला, देखो कहां कहां से लोग आए,
बोले ब्रह्मा लोग सभी सबके सब ऋषि मुनि लोग आए, स्वर्ग से सब देवता आए, जितने गंगा जमुना सरस्वती मूर्तिमान रूप में आए, और जो नहीं आए ना अगस्त जी घर घर में गए। बोले भैया भागवत कथा हो रही है, बड़ी भाग्य से कई कथा सुनने को मिलती है, चलो सबके सब भागवत कथा में चलो। देखो कल भी आप लोग है ना, मेरे गुरु हमारे गुरु जी बड़े गुरु जी कहते थे, आप लोग कल जब आओ ना कम से कम 10-10 भक्तों को साथ में लेकर के आना। कितने कितने भक्तों को लाओगे, कितने कितने बोलो। हाँ देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, अगर किसी व्यक्ति को शराब भी बना आप पाप लगेगा, किसको गंजड़ी भंगड़ी बना दो चोर बना उनको पाप लगेगा, अगर किसको अगर भक्त बनाओ उसको पुण्य लगेगा कि नहीं। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जिसको आप कथा में लेकर के आओगे ना उसको जितने पुण्य मिलेगी आधा पुण्य आपको मिल जाएगी, अपने आप उसको आधा पुण्य मिलेगी। जैसे अगस्त ऋषि ने घर घर में गए और घर घर में सबको बुला बुला करके लाए हैं, बुला बुला कर लाए। देखो हमारी स्वभाव कैसे होनी चाहिए, कहीं ट्रक में गेहूं जा रही थी, जाते जाते रास्ता में गेहूं का बोरी गिर पड़ा, बोरी गिर पड़ा तो एक गैया ने गया बोरी को देख करके जो खाया पेट भर गया तो चला गया, एक बकरी गया वो भी पेट भर गया तो चला गया, अगर एक इंसान जाएगा तो क्या करेगा बता बता वो क्या करेगा, वो पूरा पूरा बोरी उठा करके ले जाएगा, फिर दूसरा दिन जाएगा और तो कोई बोरी गिरा नहीं, और तो कोई बोरी बोरी नहीं गिर पड़ा यहाँ पर। हाँ देखो वो कहते थे चिट्ठी जैसे बने, अगर एक चिट्ठी देख लिया ना कहीं खाना मिल रहा है खाना गिरा हुआ क्या करेगा जानते हो, खुद खाएगा और सबको बुला कर ले जाएगा। अगर एक चिट्ठी देख लेना खुद तो खाएगा और पूरा परिवार सबको बुला करके ले आएगा। इसलिए कहते भैया चिट्ठी जैसे बनो हैं, खुद भी खाओ भक्ति रस को और दूसरों को बुला करके भक्ति रस को उनको भी पिलाना, ठीक है। इसलिए अगस्त ऋषि ने सबको बुला करके लाए, मतलब है वो कथा में सारा दुनिया कथा सुनने के लिए आए। जब कथा वहां पर प्रारंभ की भक्ति देवी अपना दोनों बच्चों को लेकर के आए, बोले मुझे भी कहीं स्थान दो, बोले आपका स्थान है यहाँ पर जितने कथा सुन रहे हैं इनके हृदय में आपका स्थान। बोले भैया भक्ति देवी कौन है, कहती है स्वयं राधा रानी, भक्ति देवी और कोई नहीं ये श्री राधा रानी, मतलब है जो कथा सुनते हैं इनके हृदय में से राधा रानी की विश्राम हो जाता है। अगर राधा रानी लादिनी स्वरूपिणी आनंद स्वरूपिणी, अगर राधा रानी किसकी हृदय में बैठ जाए फिर तो आनंद ही आनंद है, श्री आनंद ही आनंद है। कथा सुनने वाला का हृदय में श्री किशोर जी की निवास हो जाती है। बोले श्रीमती राधा रानी जब उन्होंने ये भागवत कथा श्रवण कराया, कभी जो ज्ञान वैराग्य अत्यंत सुखे होते हैं इनका निरस है, लेकिन ये भागवत कथा में इतना रस है, ज्ञान वैराग्य भी जवान बन गए, भक्ति देवी भी प्रसन्न होकर के नृत्य करने लग गई। वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर रूप में नृत्य कर रहे थे, अर्जुन जी पखवाज बजा रहे थे, नारद जी वीणा बजा रहे थे, अर्जुन जी भजन गा रहे थे, सबके सब कृष्ण प्रेम में कथा सुन करके उन्माद हो गए। और गोलोक वृंदावन में स्वयं श्री गोविंद देव और राधा रानी उतर करके अपना परिक्रम को साथ में आ गए और सबके सब गा रहे थे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा प्रभाव देखो, जितने लोग थे सबको उद्धार जो हुई है, कहते वहां पर जितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े थे भागवत कथा से उनके उद्धार हुए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, चतुसन से प्रश्न करते हैं अगर कोई प्रेत जन्म में पड़ा हुआ हो किसी तरह से उसको मुक्ति नहीं मिल रही है उसको उद्धार होगी कि नहीं।
भले भैया जब जीव को भगवत प्राप्ति हो गई, प्रेत योनि से उद्धार नहीं होगा, जरूर होगा। फिर उन्होंने गोकर्णा धुंधकार की कथा सुनाए, श्री आत्मदेव की कथा सुनाए, भले श्री तुंगभद्रा नदी को किनारा में श्री आत्मदेव उनकी पत्नी श्री धुंधली की निवास थे। देखो ये जगत में भी कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी तो पति होता है बड़े आत्मदेव, लेकिन पत्नी बड़ी धुंधली होती है। धुंधली मतलब अज्ञानंदकारी, मतलब कभी कभी देखना पति को तो भक्ति में बड़ी रुचि, लेकिन पत्नी को एकदम रुचि। किसी किसी को देखना पत्नी तो आत्मदेवी, लेकिन पति धुंधुकारी, उसको भक्ति में एकदम रुचि नहीं। कथा में भी चुपचाप अगर चोर जबरदस्ती आ गई ना, ऐसे बैठ सोचे कब उठ कर यहाँ से जाएगा, कब यहाँ से उठ करके जाएगा, है सीरियल देख ले तो 3-3 घंटा बैठ कर देख ले, लेकिन कथा में मन ही नहीं लगी, क्योंकि ये अज्ञान है ना, अंधकारी धुंधुकारी है। इसलिए कथा में जगत में बड़े सौभाग्यवान वो है जो पति पत्नी, पति आत्मदेव हो और पत्नी आत्मदेवी हो, है दोनों अगर भक्ति कर रहे हैं ना, समझो बड़ी किस्मत वालों को जीवन में ये आत्मदेव और आत्मदेवी मिलती है। अगर दोनों अगर सही मिल गई ना भक्ति, समझो जीवन तुम्हारी बेड़ा तुम्हारी पार हो जाएगी। ये बड़े भाग्य से मिलता है। अभी ये घर में सब कुछ उनको पास में, सर्वप्रथम क्या चाहते हैं लोग, किसी अच्छे परिवार में जन्म हो जाए, ब्राह्मण घर में जन्म हो। उसके बाद में क्या चाहते हैं, शरीर बड़ा सुंदर हो, बोले द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूरज जैसे चमचमाया करता था इतने सुंदर। उसके बाद में क्या चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से हो, कितने पढ़ाई लिखाई, बोले श्रौत स्मारते सो निष्णात हो, ये सारे कर्म कांड में निष्णात था परिपूर्ण। उसको बाद में क्या चाहते हैं, बोले घर में पैसा हो, पैसा की इतनी कमी नहीं कोई, पैसा की अथाह पैसा है। उसको बाद में क्या चाहते हैं, किसी सुंदरी लड़की से शादी हो जाए, पत्नी भी बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी, लेकिन घर में सारे सब कुछ है लेकिन घर में शांति सुख नहीं। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है घर में संतान है एक कारण, दूसरा कारण है दोनों भक्ति में जिनकी रुचि नहीं, तीसरा कारण बड़े कंजूसी, एक पैसा हाथ से निकल नहीं जाए, इसलिए कहीं सत्संग में भी नहीं जाए, वहां जाने पर 1 रुपया कहीं चढ़ाना नहीं पड़ जाए। तो हाँ देखो याद रखो, हमारे जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर कथा सुनाते हैं, ये जो पैसा है ना ये लक्ष्मी है, पैसा लक्ष्मी है, लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी नारायण की। अगर ये लक्ष्मी अगर नारायण की सेवा में लगे ना घर में, तो ये लक्ष्मी बड़ी शांति सुख देती है। अगर लक्ष्मी अगर नारायण की सेवा में नहीं लगे, भले ही जितने पैसा कमाना कमा ले, अरब खरब रुपया कमा ले, लेकिन ये घर में कभी शांति सुख लक्ष्मी नहीं देगी। हमारी धारणा में शायद ज्यादा पैसा आ जाएगा तो सुख हो जाएगा, रावण जैसे इतना पैसा भी कमा सकता है, बताओ आपके पास में कितने धन दौलत होगा, 10 किलो सोना होगा, 20 किलो, 100 किलो, रावण का लंका ही सोना है, लंका ही सोना उसकी है, सोचते किसी अच्छी छोरी से शादी हो जाएगी तो सुख मिल जाएगी। रावण का पत्नी का नाम क्या था, बोले मंदोदरी, पता है मंदोदरी मतलब क्या होता है, मंद मतलब होता है पत्नी, उधर मतलब होता है कमर, जिसकी कमर बहुत ही पतली थी, वो विश्वकर्मा की बेटी, विश्वकर्मा ने जितने सारी सुंदरता देकर अपना बेटी को बनाई थी, उस समय कहते ना म्यूस इनवर्स होती, विश्व सुंदरी थी, कितना सुंदर बेटा कैसे मेघनाथ इंद्रजी, आप देखे होंगे कितने बलवान, लेकिन सारे सब कुछ रहने पर भी बचे वो घर में कोई चैन से नहीं, बोले क्यों, बोले हरि विमुख का भी सुख नहीं पावा, लेकिन केवल एक व्यक्ति चैन से जी रहा था। आपको पता है रावण लंका में सब बेचैन थे लेकिन एक व्यक्ति चैन से जी रहा था, आपको पता है कौन बोलेगा, बताओ कौन, हाँ माता जी बड़े सत्संगी अच्छी बात होता है, केवल विभीषण वहां चैन से जी रहा था, बोले क्यों, बोले प्रभु का शरण में था, प्रभु की शरण में था इसलिए वो चैन से जी रहा था। और जिस रावण ने लंका को पाने के लिए उसने, उसका नाम दशानन था, उसने 10 बार सर को काट कर उसने ब्रह्मा जी के चरण में, शंकर जी के चरण में चढ़ा दी, कितने कठोर तपस्या की लंका के राजा बनने के लिए, लेकिन विभीषण को
कोई कष्ट करना नहीं पड़ा, केवल प्रभु राम की शरण में सर को झुका दी। झुका दी तो प्रभु राम ने राज तिलक लगा दी, ले जाओ लंका का राजा बन जाओ। केवल प्रभु की चरण में एक बार प्रणाम करने का इतने महत्व, और जिस लंका को पाने के लिए रावण कितने कठोर तपस्या किया था, शिक्षा देते हैं अगर कोई प्रभु की शरण में केवल एक बार आ जाए ना, सब कुछ तुम्हें जीवन में मिल जाएगा, सब कुछ तुम्हें जीवन में मिल जाएगी। इसलिए ये श्री आत्मदेव बड़ा कंजूसी, एक पैसा भी हाथ से निकला नहीं, केवल जमा कर, केवल पैसा केवल जोड़ते रहो जोड़ते रहो। अभी पूर्वजों को कोई चीज दे लगता है कोई गरीबी चीज दे रहे हैं, घर में कोई पेड़ लगाए फल नहीं हो, गैया घर में बांझ है, सारा दुनिया निंदा निंदा करे। एक दिन दुखी होकर के उसने आत्महत्या करने गया। जब भगवान किसी जीव को पर कृपा करते हैं संत रूप में, नहीं तो ब्राह्मण रूप में कृपा करते हैं, मान आज स्वयं संत भगवान स्वयं एक संत बन करके आए उसको ज्ञान देने के लिए, बोले बेटा क्या बात है क्यों रो रहे हो, बोले ऐसे ऐसे घर में संतान है, बोले सगर महाराज का नाम सुने, बोले हाँ, बोले बताओ तो कितने बच्चे थे, बोले 10,000, बोले सुख मिला, बोले चित्रगुप्त का नाम सुने, बोले हाँ, बोले कितने बीवी थी, बोले 1 करोड़, बेटे भी मिले सुखी रहा, बोले नहीं, बोले संतान रहने से सुखी नहीं मिलता है बेटा, भगवान की भक्ति से संतान शांति मिलती है। अगर भगवान संतान नहीं तो दुखी मत हो, भगवान को अपना बेटा मान लो, गोपाल जी को अपना बेटा मान लो, ठाकुर जी को बेटा मान लो। जो एनर्जी संसार में देना चाहिए था वो एनर्जी ठाकुर को दे दो। देखो आपको सही घटना सुनाता हूँ। वृंदावन में एक माता जी रहती थी, वो कृष्ण को गोपाल जी को अपना बेटा मान रखी थी, सारा जीवन उसने गोपाल जी की उसने सेवा की। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जो व्यक्ति जिंदगी भर ठाकुर का सेवा करेगा जब वृद्ध हो जाएगा उसको सेवा कौन करेगा, वह ठाकुर को करना पड़ेगा। क्यों, तुमने जिंदगी भर कृष्ण की सेवा की ना, अभी तो वृद्ध हो गए तो कौन करेगा। इसलिए कि माता जी कृष्ण को ही बेटा मानी थी, जब वृद्ध हो गई कृष्ण सब कुछ उनके लिए करते थे, बाजार लाना, घर साफ करना, पानी लाना, घर में पोछाई लगाना, कृष्ण सब कुछ करते हैं भगवान। अगर उनको प्रेम से अगर आप भजन करोगे तो, बोले बेटा नहीं तो कोई दुखी हाथ मत रहो, ठाकुर जी का अपना बेटा मान लो। लेकिन उसने कहा नहीं हमें तो संतान चाहिए, बोले बेटा मैं देख रहा हूँ तेरा तो 10 जन्म तक भी तुम्हारे संतान होने वाले नहीं। बोले क्या, एक जीवन में इतना कष्ट आप कर रहे हो 10 जन्म तक, अगर ये बात को अगर बता सकते हो आप संतान दे भी सकते हो। बोले क्यों, बोले जो ना करे लकीरी सो करे फकीरी, जो ना करे लकीरी सो करे फकीरी, फकीरी मतलब साधु, तुम्हारी भाग्य में जो नहीं, अगर सचमुच से कोई साधु की कृपा हो जाए ना वो काम तुम्हारी पूरी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने चरण पकड़ लिए, बोले मेरे को संतान दो नहीं तो प्राण त्याग दे दूंगा। इतने में उन्होंने एक फल लेकर के बोलो अपना पत्नी को खिलाओ, बड़े सुंदर एक संतान होगा। लेकिन पत्नी को बोलना झूठ नहीं बोले, झगड़ा नहीं करे, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, बड़ा सुंदर एक संतान होगा। क्योंकि जो पहला संस्कार है, इसको कम कर दो, जो पहला जो संस्कार है गर्भ संस्कार, अगर गर्भ में संतान रहते हुए अगर गीता रामायण भागवत पढ़ोगे ना वो बच्चा बड़ा सुंदर बच्चा होगा, आपकी बड़े आज्ञा करी होगा, आपकी बड़ी सेवा करेगी। अगर उल्टा पुलटा पिक्चर देखो आप, देखना कोई कोई बच्चा तो बड़े सुंदर होते हैं जो पिता माता की आदेश पालना करते हैं, सवेरे उठे पिता माता की चरण छूते हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं एक तो बात ही नहीं सुनते, एकदम पिता माता की बात नहीं सुनते। बोले क्यों, बोले माता जी की दोष है ये गर्भ संस्कार। अब रामायण देखे हो, जब माता सीता गर्भवती थी भगवान राम ने बड़े संतों को बुलाया, बोले सीते पता है आज मैंने संतों को क्यों बुलाया, बोले क्यों, बोले आज घर में हरि चर्चा होगी, अगर तुम हरि चर्चा सुनोगी तुम्हारे पेट में जो बच्चे होंगे ना बड़े अच्छे बच्चे होंगे, वही लवकुश होकर के जन्म हुए। आप देखे होंगे लवकुश का चरित्र देखे होंगे, अगर लवकुश जैसे संतान चाहते हैं माताओं को गीता भागवत रामायण पढ़नी चाहिए गर्भ में जो बच्चा हो। इतने में उसने फल को लिया, पत्नी को दिया, लेकिन वो तो धुंधली अज्ञानी है, वो संतों का फल कहाँ ग्रहण करती है। उसको सहेली को सारी दुख की बात बताई, बोले चिंता क्यों करती हो,
मेरे पिताजी के पास में पैसा नहीं, पति को पास में, तेरे पति को पास में पैसा, एक काम कर तू मेरे को कुछ पैसा दे दे, और ये फल को परीक्षा करने के लिए गया को खिला दे, और तुम अपना पेट में कपड़े बांध करके झूठ मूठ कर सोती रहो, जब मेरे घर में बच्चा होगा तो हल्ला मचा देना। उसने पूरा ऐसे हल्ला मचा दिया। ब्राह्मण तो बड़ा खुश है, लाला भयो है, लाला भयो है, लेकिन एक नियम है, गर्भ में बच्चा जन्म दे तब स्तन में दूध आएगी, नहीं तो दूध उतरती नहीं। इतने में बोले भैया स्तन में दूध नहीं, बोले भैया मेरे को क्या बताए, बोले मैंने सुना मेरी सहेली की भी एक संतान हुई, उसको बुला लूं, बोले कोई बात नहीं, अभी जिसका संतान वही पालना कर रही है, लेकिन जो गैया कभी भी बच्चा नहीं दिया वो गैया ने बड़ा सुंदर जन्म दिया बच्चा, राजकुमार जैसे, केवल कान गोकर्ण, कान केवल गैया, शरीर राजकुमार जैसे, सारा दुनिया देखने के लिए आए, बोले भगवान जब देते नहीं, देते नहीं, जब देते हैं ठाकुर जी छप्पर फाड़ करके देते हैं। देखो छोटी सी कथा सुना, ठाकुर जी से छप्पर फाड़ कर देते हैं, बोले एक समय दो पति पत्नी थे, दोनों ही भक्त हैं, भजन करते हैं। एक समय पति गया था शौच क्रिया, शौच क्रिया के बाद मिट्टी से हाथ साफ करते हैं, उसने जब मिट्टी को उठाया देखा वहां पर एक ढक्कन है, देखा ढक्कन खोल करके देखा एक सोने का कलसी जिसमें हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा हुआ, बोले राम 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 राम, सबर माया के दर्शन हो गए। उसने छोड़ करके आ गया और अपना पत्नी को ये बात बताया, और उसी समय में कुछ चोर उसके घर में चोरी करने के लिए आए थे, घर के पीछे छुपे हुए थे, उन लोगों ने सुन लिया इसने तो सोने की कलसी हीरे जवाहरात से भरे हुए उसको छोड़ करके आ गया, बोले भैया बड़ा बेकूफ है, अच्छा हुआ हम सुन लिया, अभी चलो हम उठा कर ले आए। जब इसको उठाने के लिए गए, वो संत था ना, इसलिए इसको दिख रहा था हीरे जवाहरात से भरा पड़ा हुआ। जब वो लोग ढक्कन को खोले, बोले जहरीले सर्प बिच्छू और उसके अंदर में ततैया भरे पड़े हुए, बोले बदमाश ये तो हमें मरवाने के लिए बताया, चलो इसको लेकर इसको घर में फेंक करके आते हैं। और वो कलसी को लेकर के छत गोबर में चढ़े और करत से इसको काटे झोपड़ी को, और ऊपर से जब फेंके उसमें क्या था, हीरे जवाहरात से भरा पड़ा हुआ था। उसने जो ऊपर से फेंके कलसी टूट गई और घर में हीरे जवाहरात तो बिखर गया। बोले भैया ठाकुर जब देते नहीं, देते नहीं, जब देते हैं छप्पर फाड़ करके ठाकुर जी देते हैं। बोले अच्छी बात है, हमने छोड़ करके आ गया था, अगर ठाकुर को इच्छा से आ गया बढ़िया बढ़िया रोज खाना बनाओ और ठाकुर को भोग लगाओ और रोज भक्तों को खाना खिलाओ, दुखी दरिद्र को रोज प्रसाद खिलाओ। इसलिए लोग देखने के लिए आए गैया कैसे संतान जन्म दिया। अभी दोनों बच्चे बड़े हुए तो इनके नाम संस्कार हुई। देखो नियम है, जब बच्चों का नाम दो ना, ऐसे नहीं टुल्लू बुल्लू टिंकी पिंकी, इसे विदेश में कुत्तों का नाम है, इसलिए ऐसे नाम नहीं देनी चाहिए। नियम है बच्चों का जब नाम दो, पंडित को बुलाओ, उसका जन्म नक्षत्र देखो, एक अक्षर निकलता है, वो अक्षर को पहले रख करके उसको पिता और उसको पिताजी का नाम एक नाम में आनी चाहिए। बोले क्यों, बोले बच्चा कौन होता है, जो अपना खानदान को रक्षा करता है, पिता को जो पिंड प्रदान करता है, अंतिम संस्कार बच्चा करता है। इसलिए नियम देखो, जैसे राम राम है, और राम का पिताजी का नाम क्या था, बोलो राम के पिताजी का नाम क्या था, दशरथ, दशरथ, ये जो र अक्षर दशरथ से र अक्षर मिला। और दशरथ महाराज का पिताजी का नाम क्या था बता सकते हो, उसका नाम था अज, इसलिए वहां से लिया अ, इसलिए रा और म। जैसे कृष्ण का नाम, कृष्ण का पिताजी का नाम क्या था, नंद, इसलिए स्ना में जो न है ये नंद बाबा से लिया, और उनको पिताजी का नाम क्या था, परजन्य, वहां से लिया र, इसलिए क्री में जो री मात्रा वहां से लिया, इसलिए नाम हुआ कृष्ण। इसलिए पहले जब नाम करना करते थे वो ऐसे नहीं टुल्लू बुल्लू जो इच्छा रखते थे, बच्चों को ऊपर में संस्कार का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसी संस्कार के अनुरूप जन्म नक्षत्र का अनुरूप नाम रखो, भगवान का कोई नाम रखो, भक्तों का कोई नाम रखो। हम आगे सुनेंगे अजामिल ने अपना छोटा बेटा का नाम नारायण रख लिया, नारायण बोलते बोलते उधार हो गया,
इसलिए बच्चों का नाम ठाकुर का नाम रखो, कम से कम मुंह से जितना बार नाम निकले ठाकुर जी का नाम निकले, आपके कानों में भी नाम पड़ेगा, घर में भगवान का नाम गुंजेगा तो घर का कल्याण कल्याण। अभी एक का नाम तो रखा गोकर्ण, गैया के कान जैसे था, और दूसरा बेटा का नाम उनकी जो पत्नी थी बोले मैंने इसको गर्भ में धारण की, मेरा नाम धुंधुली, इसलिए मेरे नाम के हिसाब से इसका नाम होगी धुंधुकारी। अभी दोनों जब बड़े हुए धुंधुकारी तो महाकाल और आत्मा तो बड़े प्यारी है। अभी शाम होते ही ये धुंधुकारी किसी बच्चे को कुएं को सामने देख खेलते हुए मिले धक्का मार कर गिरा देता है, किसी घर में आग लगा दे, किसी घर में चोरी करे, तीन भर कुत्ते को साथ में रहे, उसको साथ में खाना खाए, शाम होते ही 10-20 सिखाया। अभी आत्मदेव को ध्यान आया, संत सही बता रहे थे संतान से सुख नहीं मिलेगा, भगवान की भक्ति से सुख मिलेगी। देखो हम सारा दुनिया में जाते हैं, संतान नहीं होने पर एक दूत है, संतान नहीं हो तो एक दूत, लेकिन संतान होकर अगर बात नहीं सुनो ना इसका डबल दूत है, डबल दुख। अधिकांश हमारे पास में जो आते हैं बेटा बात नहीं सुनते, पता नहीं जब से शादी हो गई पता को बेटा को क्या हो गया, एक रात में हम इसको लालन पालन किया, एक रात में पता नहीं उसने क्या मंत्र दिया, दूसरे दिन बेटा का बुद्धि का अक्सर करके यही बात सुनने को मिलती है। इसलिए अगर बेटा नहीं तो भगवान को बेटा मान करके ठाकुर को सेवा, ठाकुर को सेवा करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक दिन श्री आत्मदेव गोकर्ण को पास में गया, बोले बेटा मेरे को कुछ ज्ञान की बात बताओ। गोकर्ण बड़ी सुंदर सुंदर उपदेश दिया, बोले पिताजी स्वर्ग का इंद्र भी सुखी नहीं, चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं, सुखी तो वही जो भगवान की भक्ति करते हैं। पिताजी भगवान की भक्ति करो, ये संसार के अज्ञान भी अंधकार के मोह को त्याग दो और सत्संग में रह करके भगवान की कथा भजन करो पिताजी, इससे ही सुख मिलेगा। पिताजी चले गए, घर में बेटा और माँ रह गई। एक दिन बेटा ने मैया को खूब पिटाई की, बोले बताओ पिताजी कहाँ पैसा रख कर गए हैं। मैया भी दुखी होकर कुएं में आत्महत्या कर दी, उसने 6-6 बेसरा को बुला कर लाया और उसने कोई बोले अलंकार दो, कभी बोले गहना दो, कभी बोले साड़ी दो। अभी एक दिन राज दरबार में डाकू डाल करके बहुत पैसा को लूट ला कर लाया, उन लोगों ने देखा सवेरे होते ही सीआई लग जाएंगे, पकड़े गए तो सबके सब जेल चले जाएंगे। राता रात उसको पकड़ करके 6 बेसियाओं ने बुरी तरह से उसको मार डाले और घर में गड्ढा खोद करके गाड़ दी और चली गई। अभी ये बन गया प्रेतात्मा। कुछ दिन बाद में घर में गोकर्ण आया, टीका घर में प्रेत बन करके पड़ा हुआ, बोले तेरे नाम पर गया में पिंड दिया उधार नहीं हुई। बोले भैया मैंने इतना पाप किया, 100 बार भी पिंड दो मेरी उधार नहीं होगी। लेकिन सूर्य देव के जो प्रश्न की उधार कैसे होगी, बोले भागवत कथा से उधार होगी। तो उन्होंने गांव के सब लोगों को बुलाया और बैठाया और उन्होंने भागवत कथा की, 7 गांठ के लिए बांस गाड़ दिए और 7 दिन में ये 7 गांठ भट गई। और श्री धुंधुकारी ने बड़ा सुंदर विष्णु भक्त का रूप धारण करके वैकुंठ से रथ आया, जब रथ में बैठ करके जा रहा था गोकर्ण ने प्रश्न किया, बोले यहाँ पर तो इतने लोग बैठे हुए कथा सुनने के लिए, आप एक रथ क्यों लाए हो। बोले देखो यहाँ पर जो कथा है ना, एक मन से केवल ये धुंधुकारी ने सुने। बोले हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए, बोले बैठने पर थोड़ी हो जाएगा, कथा तो सुननी चाहिए ना, बैठने पर तो होगी नहीं, कथा सुननी चाहिए। देखो उन्होंने क्या बताया, कथा कैसे सुननी चाहिए। बोले विश्वास गुरु बात केसो स्वस्मीन दिनत्व भावनम मान दोष जयस्ते सर कथाया निश्चलांग मति। अगर ऐसे कथा सुनेंगे तो फल मिलेगा। बोले क्या है, पहला तो गुरु वाक्य में विश्वास करो, उसको बाद में दीनहीन होकर कथा सुनो, उस समय और मन को एकाग्र करके रखो। जब तक मन को एकाग्र नहीं करोगे बैठने पर कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर बैठे हुए घर को याद कर रहे हो तो कथा सुनने का थोड़ी फल मिलेगा। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं हमें 5 चीज को ध्यान देनी चाहिए भक्ति करने के लिए। पहले लय,
लय मतलब सोना, कथा में नहीं सुनी चाहिए हैं। दूसरी है विक्षेप, विक्षेप का मतलब है जब कथा सुना शांत होकर कथा सुना, मन को चंचल कर कथा नहीं सुनना, शांत होकर कथा सुनना। दूसरा है विक्षेप, उसके बाद में अप्रतिपति, फिर कसाय, फिर रसास्वाद। कभी अगर पांच चीज को अगर ध्यान देकर कथा सुनोगे, जैसे यहाँ पर बैठे लेकिन मन यहाँ नहीं, मन और कहीं है, फिर बैठने पर भी फल नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने दूसरे दिन से फिर एक मन से सात दिन तक कथा सुनी, मन लगा करके। जब कथा विश्राम हो गई उनके लिए, फिर वैकुंठ से सभी के लिए रथ आया और सबके सब रथ में बैठ करके सबके सब वैकुंठ में गए थे। आए श्रीमद्भागवत कथा की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो और दो मिनट आपसे लेंगे, आरती तैयार कर दिया। हाँ देखो और दो मिनट, बोले कथा जो श्रोता है मैं देखूंगा कल मेरे को कौन बोल पाएगा, जो बोलेगा ना उसको मैं कल इनाम दूंगा। ध्यान देख रहे इसमें श्रोता दो तरह के, एक अच्छे श्रोता और एक साधारण श्रोता है। जो अच्छे श्रोता वो चार तरह के, कितने तरह के? पहला नंबर है हंस। जैसे हंसों को दूध दे ना, वो दूध दूध को तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देता है, मतलब जो जीवन में सार ग्रहण करे असार को छोड़ दे। दूसरा नंबर है मछली। आप लोग मछली देखे होंगे, देखना मछली का जो पलक है ना कभी नहीं चपती है, उसका आँख एकदम खुली हुई रहती है। बोले कथा कैसे सुननी चाहिए? बोले मछली जैसे, मतलब टकटक लगा कर कथा सुननी चाहिए। तीसरा नंबर है मधुमक्खी। एक मक्खी और एक मधुमक्खी। मक्खी क्या करता है? गंदे चीज में बैठता है। और मधुमक्खी क्या करता है? फूलों से, भले ही कांटा वृक्ष क्यों नहीं हो, वहां भी बैठ करके शहद को ग्रहण कर लेता है। हमें मधुमक्खी जैसे कथा सुननी चाहिए, मतलब कथा की सार सार को लेनी चाहिए। चौथा नंबर है चातक। ये एक चिड़िया है, ये कभी नदी का पानी नहीं पीता है, किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, वो केवल स्वाधी नक्षत्र को पानी पीता है। जब बात बरसात हो कथा कैसे सुननी चाहिए? चातक जैसे है, चातक पिएंगे तो केवल कृष्ण भक्ति रस को पिएंगे, दुनिया की कोई गंदी चीज को हम पिएंगे नहीं। बोले चार तरह का साधारण श्रोता है। पहला नंबर भुरु, ये एक चिड़िया रहता है हिमालय में। आप इसको जैसे सुना हो वो ठीक तो वैसे सुना देगा, लेकिन अपना जीवन में कुछ उतारता नहीं। दूसरा नंबर है ऊंट। ऊंट को आप कोई अच्छे अच्छे कोमल कोमल कोई फल पत्ते दो, वो नहीं खाएगा, वो ठंड का कांटा के वृक्ष नाम पड़ेगा। मतलब जो भगवत कथा नहीं सुन करके कांटा वृक्ष, मतलब इधर उधर के बात में मन लगेगा, लेकिन ठाकुर की कथा में उनका मन नहीं लगता है। तीसरा नंबर है बेल। बेल को आप भूसा दे दो, नहीं तो उसको कोई अच्छे फल दो, उसके लिए दोनों ही बराबर है। मतलब भगवत कथा हो नहीं तो दुनिया की चर्चा हो, दोनों को तो बराबर मानता है। और तीसरा नंबर बताए भेड़िया। भेड़िया मतलब है छोटे जाति का बाघ होता है, वो हिरण को तभी आक्रमण करेगा जब हिरण कोई सुलीली शब्द सुन करके उसमें तन्मय हो जाए, तभी वो आक्रमण करता है। मतलब है ऐसे कुछ श्रोता है जो कथा सुनते नहीं, जो पास में बैठने वाले व्यक्तियों को भी सुनने नहीं, बिना कारण से तेरे घर में आज क्या बनाया था, उसकी बेटी ऐसे की, उसकी बहू ऐसे की, बिना कारण से जो सुनेगा नहीं दूसरों को जो सुनने नहीं देता। इसलिए कहती है चार तरह का साधारण श्रोता, और कथा चार तरह का, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। सात्विक की कथा किसको कहते हैं? एक महीना दो महीना सुने फिर कथा से कोई मतलब नहीं। राजसिक कथा किसको कहते हैं? बड़े ठार बार से कथा के आयोजन करे, लेकिन कभी कभी व्यवस्था में इतने बिजी हो जाए कथा ही नहीं सुन पाए, ये राजसिक। बोले तामसिक किसको कहते हैं? जैसे सात दिन का कथा है, कभी इच्छा हो गया बैठ गए, कभी इच्छा नहीं हुआ बैठे नहीं, थोड़ा घूम करके आ गए, नहीं तो आधा में आए, नहीं तो लास्ट में आए। बोले इसको किसी तरह सात दिन बिता देना। कहती ये राज, ये तामसी कथा ही सही कथा नहीं, और सात निर्गुण कथा यही कथा सही है। निर्गुण कथा उसे कहते हैं सदा से व्याम श्रीमती भागवत कथा, जो अपना घर में रोज नियम करके गीता हो नहीं तो भागवत हो, नियमित करके रोज एक एक श्लोक हो नहीं तो दो दो श्लोक हो नहीं तो एक अध्याय हो,
जो अपना जीवन को ही प्रभु की भक्तिमय बना दे, भागवतमय संपूर्ण जीवन को बना दे। कदि यही कथा ही सही कथा है। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हाँ, सबके सब खड़े हो जाओ। ये भागवत की आरती।